उससे उसका ही एक विस्तार है, क्योंकि जिन सवालों को हम लोग पिछले दशकों से उठाते रहे हैं, उसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट है, लाइवलीहुड है, हाउसिंग है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये सब उससे जुड़ा हुआ है। इन सब लड़ाइयों को लड़ते हुए ऐसा लगा कि ये टुकड़े टुकड़े की लड़ाइयाँ तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको एक अलग से आइडियोलॉजिकल अवधारणा देने की जरूरत है, क्योंकि जिस आधार पे हमारा शहर बन रहा है और विस्तार हो रहा है, उसके जड़ में, उसके आधार में, उसके बुनियाद में एक नए किस्म के गैर लोकतांत्रिक नीति है, उसको कहते हैं मास्टर प्लान। और यह मास्टर प्लान जो है वो चुनी हुई सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती है, बल्कि एक अलग से अथॉरिटी, जो पहली अथॉरिटी जो पॉपुलर बना है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और दिल्ली जो है वो आज भारत के शहरों के लिए और खास करके साउथ एशिया के शहरों के लिए एक रोल मॉडल है। जब वो मास्टर प्लान बनता है तो उसमें दो चीजों पे बंदिश लगा दी जाती है, एक तो बहुत सालों साल से इसके अनुभवी हैं, इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोहन हीरा भाई हीरा लाल, जो हमारे बहुत पुराने अभिन्न मित्र हैं, छात्रवाद संघर्ष वाहिनी में हम लोगों ने एक साथ काम किया, राजू भिसे, विद्या वर्षा वहन और एलोनोर वक्ता हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि आप इनके वक्तव्यों से, इनके जो विचार है, इनके जो अनुभव है, उससे लाभान्वित होंगे। आज के कार्यक्रम का जो मॉडरेशन है, जो फैसिलिटेशन है, वो हमारे साथी निशांत करेंगे और मैं उनको अब हैंड ओवर करता हूँ कार्यक्रम के संचालन के लिए, और सबका फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया रवि जी, और सभी का स्वागत मेरे तरफ से भी। मैं निशांत हूँ और मैं जन संसाधन केंद्र, पीपल्स रिसोर्स सेंटर, इसमें हम लोग साथ में काम करते हैं। और ये एक आंदोलन का समर्थन करने का और जन आंदोलनों में किस तरीके से हम सूचना के जरिए, ज्ञान के जरिए और रिसर्च के जरिए कैसे बातों को और मजबूत कर सकते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम शहरी मुद्दों पे और एक अलग तरीके के शहर कैसे सोचे जा सकते हैं, या ऑलरेडी कहाँ पर शहर के कुछ वैकल्पिक जो विचार हो सकते हैं वो मौजूद किस तरीके से हैं, उनको एक साथ लाने का भी हमने कोशिश किया है। तो उस सिलसिले में एक बात हमारे बीच में कई बार आती रही कि कई सारे विचार हमारे पास मौजूद हैं जो आंदोलनों के बीच से निकले हैं, लोगों के बीच से, समुदायों से निकल कर आए हैं, लेकिन कहाँ पर बात फंसती है वो कई बार ये हो जाता है कि कौन इन विचारों को असली जामा पहनाने वाला है। तो उसके लिए हमें बार बार सरकारों के पास और ब्यूरोक्रेसी के पास ही जाकर अटकना पड़ता है। और कई बार ये समझ में आता है कि विचारों के होते हुए भी और क्षमता होने के बावजूद भी जिस तरीके से हमारी राजनीति इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि उसमें जनशक्ति का के जरिए कर पाने का थोड़ा अभाव सा लगता है। मेरी आवाज आ रही है आकिस? आवाज आ रही है। ओके, ठीक। तो इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक श्रृंखला ही शुरू करें जिसमें इसी मुद्दे को पकड़ते हुए कि शहरों को कैसे दूसरे तरीके के शहर हो क्या सकते हैं, क्योंकि कई बार ये बात होती है कि हमें ये शहर पसंद नहीं है, शहरीकरण पसंद नहीं है, कैसा शहर और होना चाहिए इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन कई बार लोगों को समझता है कि आपके पास विकल्प क्या है।
तो इसको एक साथ लाने की जरूरत के तौर पर हमने इसको श्रृंखला को शुरू किया है। और जिस मसले को मैंने कहा कि जो समस्या है वो बुनियादी तौर पर यह है कि अगर हमारे पास ये शक्ति हो कि हम जैसा चाहते हैं वैसा शहर बना सकते हैं, तब जाकर और इसमें एक सीरियस और सिंसियर पार्टिसिपेशन आता है। वरना कई बार ये होता है कि ठीक है हम अच्छी बातें कर सकते हैं, मीटिंगें कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या होगा? तो वो क्या होगा कि अगर हम जवाब हमारे पास ढूंढें तो कई बार हमारे पास जनशक्ति बहुत उभर कर नए तरीके के शहर को बनाने के लिए आ सकती है। ये हमारा ख्याल था इस सत्र के साथ इस श्रृंखला को शुरू करने का। और एक दूसरा भी इसमें एक संदर्भ जिसके बारे में हमारे स्पीकर अभी इलिनॉर नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक उनको इनवाइट करने का भी ये मसला था कि दुनिया भर में अगर हम देखें कि शहरों के इर्द गिर्द और शहरों के अधिकार के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रभावी और बहुत मजबूती से लड़ने वाले आंदोलन अभी हाल के 10-15 साल में हुए हैं। और एक सीरीज इस तरीके की दिखती है जिसकी कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई दिखती है, जिसको म्युनिसिपलिज्म के आंदोलन कहा जा रहा है। यानी वो नगरों के इंस्टीट्यूशन जिस तरीके के हों जो लोकलाइज करें, जो स्थानीय बनाएं और शक्ति को वापस लोगों के हाथ में लाएं, इस तरीके के आंदोलन दुनिया भर में चल रहे हैं। तो एक ये भी हमें संदर्भ के साथ ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ लोकलाइजेशन के लिए और स्वराज के लिए जो आंदोलन है वो कैसे इससे जुड़े हुए हैं और कैसे हम इन संदर्भों से जोड़ के नई बातें कर सकते हैं। इस पे और चर्चा होगी तो और बातें आती हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे साथ मोहन भाई हैं और वो वृक्ष मित्र जो गढ़चिरौली में संस्था काफी समय से कर रही है और जो जिसका परिचय भी रवि जी ने अभी दिया, मैं उनको सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ कि वो बताएं हमें कि इसका क्या इतिहास रहा है हमारे यहाँ आजादी के पहले, आजादी के बाद भी। हम स्वराज का जो एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही मान्य, सर्वमान्य एक तरीके का विचार है, राजनीतिक विचार जो गांधी के आंदोलन से निकल कर आया, और उसकी उससे हमें काफी समय बाद आजादी के हमें कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिले, 73rd, 74th अमेंडमेंट भी आए और तमाम सारी चीजें आई। तो स्वराज क्या है, स्वराज का गांव और शहर में कितने हद तक वो पहुंचा है, उससे हमें क्या सफलताएं मिली हैं, और उनका बहुत ही प्रभावी और बहुत ही अच्छा एक अनुभव है गांवों में ग्राम स्वराज पर काम करने का, उसके बारे में भी वो बताएंगे। तो यहां से हम इसकी बात की चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। मोहन भाई, सभी को जय जगत, और इस चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय जो है वो शहर शहर बने रहे जैसे है वैसे और उसमें कुछ भिन्नता आ जाए, इतनी मर्यादा में नहीं है ऐसा मैं मानता हूं। मूल चीज जो है वो स्वराज की चीज है, या तो सर्वोदय की चीज। स्वराज हमारा जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है वैसे ही वो हर किसी का है, और वो अपनी राजनीतिक सत्ता से संबंध रखता है कि मेरा जिंदगी कैसी हो, मेरी जिंदगी के निर्णय कौन लेगा। तो हर व्यक्ति का दुनिया में जो भी जिसने जन्म लिया है वो व्यक्ति, इंसान, स्त्री पुरुष, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, वर्ण का हो, उसका जन्म से ये अधिकार है कि उसे अपनी राजनीतिक सत्ता स्वतः के बारे में, खुद के बारे में निर्णय लेने की है कि मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, किस तरह से रहूं। लेकिन उसी का मतलब यह है कि वो राजनीतिक सत्ता दूसरे की भी है, और सब लोग अपनी उस राजनीतिक सत्ता का अपना निर्णय खुद ले सके, इस तरह की व्यवस्था ही आवश्यक है जो स्वराज की व्यवस्था होगी, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्वराज को अनुभव कर सकेगा। और वो स्वराज के दो आधार दुनिया में उभर कर आ रहे हैं, एक है कि समता और दूसरा अहिंसा। ये दो उसकी बुनियादें होगी, इनके बिना ये स्वराज अस्तित्व में नहीं आ सकता, उनके बिना सर्वोदय का काम नहीं हो सकता। कुछ चीजें सर्वोदय आंदोलन में भाषाओं के कारण भी दिक्कत बनती है कि जैसे स्वराज की बात आती है तो ग्राम स्वराज शब्द कहा जाता है, और उससे गलतफहमी होती है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के गांव के स्वराज की बात हम लोग कर रहे हैं।
यहाँ पे ग्राम शब्द का वह मतलब नहीं है। जहां भी लोग पास पास रहते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, वही ग्राम है। अभी के संदर्भ में उसे समझना हो तो ग्रामीण क्षेत्र में हम उसे गांव कह दें, लेकिन अगर शहर में वही गांव या ग्राम मोहल्ले के रूप में, गली फली के रूप में या हाउसिंग सोसाइटी के रूप में हर जगह उपलब्ध है, क्योंकि हर जगह लोग हैं, इंसान हैं, और वो अपनी जिंदगी के लिए वहां पर रह रहे हैं। दूसरा, सत्ता का स्वरूप यह है कि यह जन्म से प्राप्त जो राजनीतिक सत्ता है निर्णय लेने की, ये दूसरा छीन कर आपसे नहीं ले सकता। जब तक आप खुद उसको नहीं देते, तब तक आपके प्रतिनिधि को या आपके द्वारा चुनी गई सरकार को या आपको बगैर मौका दिए आप कर थोपी गई सरकार को जब तक आप मान्यता नहीं देते, तब तक आपकी सत्ता आपसे वो छीन नहीं सकते। ये उसका एक मूलभूत सिद्धांत है। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश 1909 में ही की थी कि हम गुलाम कैसे बने। इतना बड़ा भारत देश जिसमें इतनी दूर से थोड़े से अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हमें गुलाम बनाया और 150 साल तक गुलाम रखा, क्यों और कैसे? ये चर्चा में गांधी जी कहते हैं कि आम तौर से कहा जाता है कि वो बहुत होशियार लोग हैं, कुटिल हैं, शूरवीर हैं, शस्त्रधारी हैं, अमीर हैं, इसलिए वो ये कर पाए। वो कहते हैं ये सारी चीजें गलत है। वो इन किसी भी चीज से हम पर राज नहीं कर सकते, हमें गुलाम नहीं कर सकते, तो हम ही ने उनको यहां रखा है, इसलिए वो रह रहे हैं। इस चीज को समझना होगा और इसे अभी भी हम लोग हजम नहीं कर पाए। हर चीज जहां भी सत्ता का संदर्भ है, हमने ये जो गलत व्यवस्था है उसको हम ही ने बनाया है, हमारे ही कारण से वो टिकी हुई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया में, बदलाव की प्रक्रिया में अगर सिर्फ दूसरा कारण है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं। और अभी के समाज शास्त्र में ये सिखाया भी जाता है हमें कि संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करने का मतलब है कि आप संगठित होइए, जुलूस, धरना, प्रदर्शन कीजिए, जोर से आवाज करिए, नारा लगाइए। और ये साथ में एक उदाहरण भी दिया जाता है कि माँ भी बच्चे को, जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसे दूध नहीं पिलाती है। तो ये सरकार मानो जैसी हमारी माँ है, और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें या तो रोना चाहिए या तो चिल्लाना चाहिए, तब ये सरकार हमारे प्रश्न को दूर करेगी, हमें दूध पिलाएगी। ये बहुत गलत अवधारणाओं के कारण ही लोगों में ये भावना पैदा हो गई है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ ताकत जो है वो सरकार में है। और वो सरकार बनाते कौन है? तो वही लोग बनाते हैं, वही उनको ताकत, वो मतदान करते हैं। मतलब क्या करते हैं? अपनी राजनीतिक ताकत, निर्णय लेने की ताकत अपने प्रतिनिधि को देकर ही तो हम विधानसभा और लोकसभा बनाते हैं, और ग्राम पंचायत भी उसी का हिस्सा है। और फिर हम ही उस सत्ता से भीख मांगते बैठते हैं, तो यहां पे उसकी जड़ है। दूसरी एक बुनियाद उसकी है, वह है व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता। अब ये चीज दुनिया में बहुत समय से विचार में चल रही है कि जितनी भी विषमताओं पर आधारित व्यवस्थाएं हैं उनका बड़ा आधार कुछ अगर है तो वो व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता है। वो भी हर व्यक्ति, हम लोग ही देते हैं, तब ऐसी व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता देने वाली केंद्रित व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। और फिर ऐसी केंद्रित व्यवस्थाओं को निर्माण करने के लिए हिंसा पर आधारित सारी व्यवस्थाओं का भी निर्माण होता है। अब इसको दूर करने की बात जरूरी है। व्यवस्था अगर बदलनी है, भिन्न दुनिया बनानी है, भिन्न शहर और गांव मोहल्ले बनाने हैं,
तो ये व्यक्तिगत मालकियत पर आधारित व्यवस्था भी बदलनी होगी। बीच में बड़ा प्रयोग चला कि व्यक्ति की मालकियत ना हो तो फिर सरकार की मालकियत हो, और वो उससे भयानक साबित हुआ। सर्वोदय की धारा में सिर्फ एक भिन्न प्रयोग, दुनिया में अभिनव प्रयोग जिसको कह सकते हैं, ग्रामदान के रूप में शुरू हुआ कि खुद जो मालिक है वो कहे कि मैं अपनी व्यक्तिगत मालकियत को खत्म करता हूं। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो सकता है, जिसके लिए लड़ाइयां होती है, जिसके लिए राज्य बदल जाते हैं, जिस हजारों साल की प्रक्रिया चल रही है, वह इंसान इतना विकसित हो सकता है कि जो खुद कहे कि मैं अपनी मालकियत को खत्म करता हूं, क्योंकि ये गलत व्यवस्था है। और इसके बीच के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में खेती की जमीन की मालकियत से ये प्रक्रिया प्रयोग शुरू हुआ, और उसी समय विनोबा इसके बारे में बार बार कहते थे कि शहर के संदर्भ में भी व्यक्तिगत मालकियत को खत्म करने का क्या प्रयोग होगा, इस पे हमें सोचना होगा, उसके प्रयोग करने पड़ेंगे। सर्वोदय की धारा में भी बहुत कमियां हैं, उससे ऊपर उठने की हमें जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भिन्न दुनिया, भिन्न शहर, भिन्न गांव, जो सही इंसान को जीने योग्य, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा सही दुनिया अगर हम लोग चाहते हैं, तो उसके प्रयोग करने होंगे। कोई दूसरा कर देगा ऐसे नहीं होगा, हमें ही करना होगा और हम ही कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उससे एक नारा निकल कर आया है जो मेंढालेखा गढ़चिरौली जिले में एक छोटा सा गांव है, जिसके साथ कुछ प्रयोग करने के सीखने का मौका मुझे मिला। वो नारा है कि राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार, और हमारे गांव में हम ही सरकार। बहुत गौर से आपको सुनना होगा कि जो प्रातिनिधिक सरकार जहां जरूरी होती है, जहां पे हम बैठकर खुद निर्णय नहीं ले सकते, वहां पे हमारी सरकार होगी। जरूरी भी होगी वो, क्योंकि सब जगह हम नहीं जा सकते, हमें किसी प्रतिनिधि को देना होगा, भेजना होगा। तो इसलिए राज्य और केंद्र में, मुंबई में और दिल्ली में हमारी सरकार, लेकिन हम जहां रहते हैं उस गांव में। और अब शहर के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो शहर के उस मोहल्लों में जहां पे हम लोग रहते हैं और बगैर प्रतिनिधि के साथ में बैठकर निर्णय ले सकते हैं, उन मोहल्लों में हम ही सरकार। वहां कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा, उसे हम अपनी सत्ता नहीं देंगे, हमारा निर्णय हम करेंगे, क्योंकि मेरा निर्णय करने का जन्मसिद्ध अधिकार मेरा है, तो हमारा निर्णय करने का जन्मसिद्ध अधिकार हमारा है। लेकिन ये कब संभव है? ये तब संभव है कि जब हम बने, मैं से हम बनाएं, तब वो हम में ताकत आएगी। और ये मैं से हम बनने की ताकत तब आती है जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारे गांव से संबंधित या हम शहर में हमारे मोहल्ले से संबंधित कोई भी निर्णय बहुमत से नहीं लिया जाएगा, सर्वसहमति से ही होगा। और उसमें भी अगर थोड़ा फर्क करना है, क्योंकि बहुत बार सर्वसहमति का मतलब होता है कि सबको मान्य हो गया है, या तो सब लोग उससे सहमत हो गए हैं, तो उसमें एक सर्वोदय की भाषा में थोड़ा फर्क किया जा सकता है कि सर्वसहमति भले ही संभव नहीं हो रही है बहुत बातचीत के बाद, लेकिन सर्वानुमति हो गई है। सर्वसहमति और सर्वानुमति में क्या फर्क है कि विचार से तो हम लोग अभी पूरा सही नहीं लग रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं या हम सोच रहे हैं अभी, वो पूरा सब लोग को सहमत है, लेकिन सिर्फ बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा, अब इसके ऊपर करके देखना होगा, प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए मान्यता बन रही है कि हाँ, ये मुद्दा है कि जिस पर अब हम सब लोग कर देखे, वो हो गई अनुमति, सबकी अनुमति है, सहमति नहीं है लेकिन अनुमति है, बस इतना भी काफी है। और तब निर्णय होगा, तब हम लोग काम करेंगे, फिर देखेंगे करके,
और उससे पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है। और ये असली वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सिर्फ बातचीत से सब सही क्या गलत क्या स्पष्ट नहीं हो सकता। उससे तो एक हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है जिसको प्रयोग के रूप में करके देखना जरूरी होगा। तो पहली शर्त हो गई सर्वसहमति या सर्वानुमति, और यही समता का रूप है। अगर हम लोग समता को मानते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो एक व्यक्ति को भी हम लोग अगर अलग रखते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं सुनेंगे, तो हम लोग समता का पालन नहीं करते। बहुमत से निर्णय लेते हैं, उसमें भी हम समता को खो देते हैं। हम मानते हैं कि जो बहुमत है, जो बहुसंख्य है, उनका ही निर्णय चलेगा, जो अल्पमत में है उनको सुनने की और उनके विचार को ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसमें बहुमत का निर्णय अल्पमत पे लाद दिया जाता है और उसे सही माना जाता है, और यहीं से हिंसा जन्म लेती है। हमारी जो आज की लोकतंत्र की बुनियाद है बहुमत से निर्णय लेने वाली, उसकी बुनियाद ही हिंसा पर आधारित। उस हिंसा पर आधारित बुनियाद जिनकी है, ऐसे लोकतंत्र के द्वारा अहिंसा पर आधारित समाज, फिर वो शहर में हो या गांव में हो, निर्माण नहीं हो सकता। तो इस बुनियाद को ही बदलना होगा। तो एक हो गई, लोग जहां रहते हैं शहर में भी वो खुद समझ बूझ कर ये निर्णय ले कि हमारे मोहल्ले से संबंधित कोई भी निर्णय, हम मोहल्ले में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष या तृतीय लिंगी अगर वहां हो तो वो भी सब मिलकर, जो इंसान है सब इंसान मिलकर साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, और एक व्यक्ति भी विरोध में है तो हम निर्णय नहीं लेंगे, उसके लिए हम रुकेंगे। तो सबसे कमजोर आदमी को, व्यक्ति को ताकत देने वाली समता पर आधारित एक व्यवस्था का निर्माण हम खुद करेंगे और हम खुद ही कर सकते हैं। सरकार ने कानून बनाने से ये नहीं चीज हो सकती। दूसरी बात मैंने मेंढा से सीखी है वो ये कि सर्व सहमति या सर्वानुमति से निर्णय लेने की बात हम कर भी लेते हैं तो इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो निर्णय सही या गलत होता है वो आपका ज्ञान पर निर्धारित होता है कि आपकी समझ कितनी है, आपका ज्ञान कितना है उस संदर्भ में। तो वो ज्ञान बनाने की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ बराबरी से चलना जरूरी है। जितना सही ज्ञान होगा उतना ही सही निर्णय और उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो जैसी निर्णय की लगातार प्रक्रिया है, साथ साथ में लगातार ज्ञान की प्रक्रिया भी चलना जरूरी है। आज हमारे पास निर्णय की प्रक्रिया को चलाने वाली रचनाएं और संस्थाओं का रूप जरूर है, लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया की तरफ हमारा ध्यान जो जरूरी था वो नहीं दिया गया। तो मेंढा से एक नई रचना निकल कर आई कि निर्णय की जगह ग्राम सभा, जहां पे हर घर से परिवार से एक महिला और पुरुष का आना जरूरी है, लेकिन उसको समर्थन करने वाली, उसको सहयोग करने वाली, उसको सपोर्ट करने वाली एक दूसरी रचना होगी जिसको वो लोग कहते हैं अध्ययन मंडल। और ये अध्ययन मंडल में हर घर से एक महिला पुरुष का आना जरूरी नहीं है, क्योंकि अध्ययन मंडल में गांव या मोहल्ले से संबंधित कोई निर्णय लेने ही नहीं है। वह अध्ययन मंडल उस गांव या मोहल्ले के ऐसे स्त्री पुरुषों का होगा जो अध्ययन में रुचि रखते हैं, ज्ञान की प्रक्रिया का कुछ क्षमता रखते हैं, उसमें उनको आनंद आता है, उसमें उनको रुचि है, लेकिन निर्णय नहीं वहां होगा, तभी वो अध्ययन होगा। तो उस व्यवस्था जो बनती है अध्ययन की, वहां पे जो रुचि रखने वाले लोग है बैठेंगे, जो गांव से या मोहल्ले के संबंध में जो महत्वपूर्ण विषय है उस पे अपना खुद अध्ययन करेंगे, दुनिया में जो भी ज्ञान है जहां भी जानकारी है उस पे अपना अधिकार जमाएंगे और अपनी समस्याओं को, उसके जड़ को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर वो जो ज्ञान बना है वो ग्राम सभा में या मोहल्ला सभा में जाएगा
और वहां उसका निर्णय सर्वसहमति से या सर्वानुमति से होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर करके देखेंगे, फिर उससे सीखेंगे, तब ये स्वराज्य की समता और अहिंसा पर आधारित प्रक्रिया शुरू होगी। और ये शहर में भी हो सकता है। मेंढा में हमने जरूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में उसके प्रयोग से कुछ सीखा है, लेकिन शहर में भी ऐसे मोहल्ले निश्चित होंगे जहां पर हम जैसे कार्यकर्ताओं को उसके साथ जुड़कर काम करना होगा। ऐसे गांव और मोहल्ले निश्चित है, जरूरी है एक सहयोगी मित्र कार्यकर्ता की। ये सहयोगी मित्र कार्यकर्ता क्या कौन है? ये नेता नहीं है, वो लोगों की ताकत अपने हाथ में लेकर मैं आपके लिए सब कर दूंगा नहीं कहता है। वो कहता है कि मैं आपके साथ में हूं, मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। और वो लोगों के साथ हम मिलकर जो शहरों में अभी प्रयोग होना बाकी है वो अगर शुरू हो तो ये प्रक्रिया और ज्यादा हमें स्पष्ट होगी। हमें करके देखना होगा और ये नारा लगाना होगा कि राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार, हमारे मोहल्ले में हम ही सरकार, और फिर उसके प्रयोग करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, धन्यवाद। शुक्रिया मन भाई, बिल्कुल वैसा ही मतलब आपने वो पृष्ठभूमि पूरी बताई हमें जिस के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, और बहुत ही ज्यादा काम की ये जानकारियां और ये पूरा प्रक्रिया के बारे में, कि अगर हम सिर्फ वैचारिक तौर से अगर इसके बारे में सोचें तो अगर हम किसी को कहें कि भाई जो हम जो मामले लोकली सुलझा सकते हैं, अपनी समस्या ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम इतने तंत्रगत तरीके से ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सेंस सा लगता है बात, लेकिन फिर भी ये इतना कॉमन सेंस सी चीज हम हमारे से इतनी दूर है, हम इसके बारे में सोचते नहीं है रोजाना की जिंदगी में, और इसके बारे में जो प्रयोग हुए हैं उसमें कैसे करके अलग अलग प्रक्रिया को अपनाते हुए ये समझ में आया कि क्या चीज जो है वो हमें ज्यादा सफलता दे सकती है, उसमें समावेश कैसे आ सकता है और भागीदारी भी कैसे बराबर की हो सकती है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात था कि हम ये भरोसा करें कि सरकार ही हमें कुछ शक्ति को डिवॉल्व करने के तरीके देगी, तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक फिर से सोचने की बात है, पुनर्विचार की बात है, और हमें ये सोचना होगा कि कैसे हम डिस्पाइट द स्टेट जिसको कहा जाए कि मतलब सरकार जो चुनाव निर्वाचित सरकारें हैं उनके रहते हुए के बावजूद भी हम लोकल गवर्नमेंट और में हम खुद कैसे हो सकते हैं, वी द गवर्नमेंट कैसे हो सकते हैं, ये कुछ बातें जो मेरे ख्याल से रेखांकित करने की रही। और इसी से जुड़ा हुआ मामला है कि मतलब जो हमारे पास मिला है किसी में से डिस्टर्बेंस आ रहा है। विद्या जी, विद्या जी, ओके सो हम इसी पे बात करने के लिए आगे वर्षा जी को ही बुला रहे हैं कि सरकारी तौर पे हमें एक 74th अमेंडमेंट और 73rd मिला था गांव स्थानीय निकायों के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, और जो हमें ये शहरों के लिए 74th अमेंडमेंट जो थोड़े समय बाद हुआ, और उसके जरिए कोशिश की गई कि शहरी निकाय भी स्वतः मतलब स्व क्या कहते हैं कि आजकल जो नया आया सेल्फ लैंस आ सके उनके अंदर, आत्मनिर्भर हो सके ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा शक्ति उनके पास हो काम करने का कहा गया, लेकिन वो कितना पहुंचा है, उसकी क्या डिजाइन रही, उसके क्या अनुभव है, और अभी उसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काफी सारे समूह और आंदोलन चल रहे हैं, तो उस पे थोड़ी सी बात वर्षा जी रखेंगे, और साथ में ये भी कि उसमें उसमें उसके जरिए कितना समावेश संभव हो पाया है, कितना सामाजिक न्याय उसके जरिए आ सकता है। इस बीच बस ये और जोड़ देते हैं कि हमारे साथ एलेना और जुड़ गई हैं जो आज की चौथी वक्ता हैं, और आई वेलकम एलेनोर टू द सेशन ठीक है, मैं अब वर्षा जी को आमंत्रित करता हूँ। एलेनोर, जस्ट आई थिंक यू कैन फॉलो द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स, सो देयर इज अ ट्रांसलेशन बीइंग डन इन द चैट बॉक्स, यू कैन फॉलो दैट। ठीक है वर्षा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप बात। वर्षा जी अनम्यूट कर लीजिए।
मैं जन संसाधन केंद्र के रवि भाई रहेंगे हमारे, निशांत है, अकीज है और उन तमाम सारे साथियों का जो ये संवाद सुन रहे हैं वेबिनार में, उन सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका अभिनंदन भी करती हूँ, उनका स्वागत भी करती हूँ. एंड इवन आई वेलकम एलिनोर ऑल्सो फॉर दिस डिस्कशन. खासकर मोहन भाई ने जो कहा उन बातों से तो मैं शत प्रतिशत सहमत हूँ, हम सभी लोग सहमत होंगे. उन्हीं की बातों को आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि मेंढा लड़का का उनका जो प्रयोग है वो सच में एक सराहनीय प्रयोग है. और शहरी तौर पर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, उनके जितना तो इतना बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन हमारी ओर से राजू भाई रहेंगे, सीताराम शेला रहेंगे, बहुत सारे हमारे जो साथी है वो मिलकर हम शहरों में आज एक 10 साल जो है इन 10 सालों में कर रहे हैं, उनकी बात भी आपको रखूंगी. असल में आज की जो चर्चा है वो शहरी शासन को लोकतांत्रिक कैसे हम बनाएं, उसका ज्यादा फोकस मुझे लगता है, क्योंकि गांव के स्तर पर वो सारी चीजें हो रही है लेकिन शहर में क्या. तो मैं इन आजादी के इतने सालों बाद जो देखती हूँ कि बढ़ता अनियंत्रित भ्रष्टाचार, अपारदर्शी राज्य कारभार, भांडवली व्यवस्था, और इन व्यवस्था में जनता का कहीं भी नियंत्रण नहीं. यानी उदाहरण के तौर पर आप अगर देखें तो सरकारी निधि है, बीपीएल योजना है, सरकारी नीतियां है, प्राकृतिक संसाधन है, जब सत्ता में भागीदारी जनता की नहीं के बराबर है. जनता निर्णय लेगी और लोक प्रतिनिधि और अधिकारी इस निर्णय का पालन करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं. यानी आप सभी मुझसे सहमत होंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है, जो आपके मन में भी उठता है, शायद आज का ये संवाद उसी के लिए है, कि लोगों के सहभाग के बिना जो नियोजन होता है वो लोगों के लिए महत्व का होता है क्या, ये सवाल है. यानी नियोजन की काफी सारी पद्धतियां सरकार द्वारा हमारे सामने आती है, जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखते हैं तो उसमें एक लाइन है कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड. ये जो लाइन है उसके बावजूद भी आज उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी है. मतलब एक तरफ ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि गांव के स्तर पर वो लागू है, लेकिन शहर के स्तर पर वो लागू बिल्कुल नहीं है. इसीलिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था है ना, वो होने के लिए बदलाव जो है वो समाज के सभी स्तर पर जा नहीं रहे. यानी 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने चर्चा के संशोधन से संविधान में जो ग्रामीण स्तर पर 64 और शहरी स्तर पर 65 इस तरह का एक ड्राफ्ट जो रखा था, जिसमें आप देखोगे कि दायित्व, दर्जा, अधिकार, सारे सारे निर्णय लेने की बात, ये सारी बातें उन्होंने कही थी उसमें. लेकिन 1989 से 92 तक वो सुधार नहीं हो पाए. मतलब 92 में के पहले 91 में जब देखा कि वोट और सीटों को पर जब मार पड़ने लगी ना, तब सत्ताधारी जागे. और तब फिर 92 में हम देखते हैं कि 73 और 74 जो हुआ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, जिस पर 20 अप्रैल 1993 को हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करे, उन सारे राज्यों को उसको लागू करने के लिए भेजा. मुझे लगता है कि 20 अप्रैल 2017 को हमने ये 74वें संविधान और 73वें संविधान सुधार जो हुई उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई. आज 2021 है, आप सोच सकते हैं कि 29 साल शायद उससे हम आगे बढ़े हैं. लेकिन मैं जब शहरों की तरफ देखती हूँ तो शहर जो है ना वो प्राकृतिक तरीके से नहीं तो फोर्सफुली बसे हैं. यानी इंडस्ट्री लगाओ, नौकरियां दो, सुविधा दो. शहर में लोग लाइवलीहुड के लिए आते हैं, यानी लोगों में जो आपस में संबंध विकसित होने के लिए है ना समय लगता है लोगों को. और इसमें मैं 74 के संविधान सुधार को बहुत महत्व का मानती हूँ, क्योंकि मैं शहरों की बात करूँ, क्योंकि गांव की बात करने के लिए हमारे साथ में मोहन भाई, राजू भाई, ये सारे साथी हैं. फिर भी मैं शहर की बात करूंगी कि क्यों 74 की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है कि लोगों के प्रशासकीय व्यवहार, लोगों के विभागीय व्यवहार साथ में बैठ के सुलझाने की एक अपॉर्चुनिटी पैदा होगी 74 से. यानी ये बात सही है कि शहरों में लोगों को एकत्रित लाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि टुकड़े 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 टुकड़ों में शहर सारे देश भर में आप देखोगे तो बने. लेकिन संविधान की जो बात है ना, इक्वालिटी और जस्टिस, ये बहुत महत्व का, सबका विचार हो, सबको बराबरी का व्यवहार हो, जो 92 के पहले यानी 74 के पहले वो था नहीं. यानी पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण, पूरी तरह से प्रशासन का नियंत्रण कारभार में, ये सारी चीजें तो अब नया नेतृत्व ही खड़ा नहीं हो रहा था.
लेकिन 74वें संविधान सुधार में जब मैं प्रोविजन देखती हूँ तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उसमें है, उसका उद्देश्य ही रहा है। क्योंकि मैं मेरी बातों को इसलिए ये सारी चीजें जोड़ रही हूँ कि मोहन भाई ने कहा कि हमें पार्टिसिपेशन का यानी लोगों के हाथ में सत्ता की डोर आए इसकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, तो है अपॉर्चुनिटीज, बाहर है कि लोगों को अब आगे आना पड़ेगा। यानी बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब 26 जनवरी 1950 को उन्होंने इस देश का मालिक बनाया, हमको मालिक यानी नागरिक को मालिक बनाया, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता की डोर अपने हाथ की प्रोविजन है, उसको लेना चाहिए। और इसलिए 74 का जब मैं उद्देश्य देखती हूँ तो एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग में लोगों का सहभाग, लोक प्रतिनिधि प्रशासन जवाबदेह और पारदर्शी ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसकी बात कही है। यानी काफी सारी प्रोविजन उसमें है, उसमें त्रिस्तरीय नागरिक व्यवस्था आई, यानी लोक संख्या के हिसाब से महानगर पालिका कहाँ बनेगी, नगर परिषद कहाँ बनेंगे और नगर पंचायत कहाँ बनेंगे, इस तरह की एक व्यवस्था की प्रोविजन उसमें है। उसमें एसटीएससी की लोग जो है उनकी लोक संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व का प्रोविजन है, उसमें महिला आरक्षण का प्रोविजन है। उसमें 12वें अनुच्छेद में यानी 243 आर्टिकल में 12वें अनुच्छेद में 18 विषयों को स्थानिक स्वराज्य यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको दिए गए हैं। चुनाव आयोग की प्रोविजन है जिसमें चुनाव आयोग ने 5 साल का इलेक्शन का कार्यकाल निश्चित कर दिया है और उसमें वित्त आयोग का भी प्रोविजन है। और ये सारे प्रोविजन में वित्त आयोग की प्रोविजन में खास बातें दी गई है जिसको हमें देखना पड़ेगा और उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सक्षम कैसे हो शहर इसकी बात उसमें कही गई है। जैसे मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनुदान दिया गया है, जनता तक सुविधा पहुंचे इसलिए स्थानिक सरकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने पुरस्कार योजना खड़ी की है, उन्होंने पर्यटन विभाग को योजना अनुदान दिया है, उन्होंने नगर स्तर पर प्रशिक्षण योजना की है, नगर विकास पर महाअभियान करके एक योजना उन्होंने लाई है, क्षेत्र विकास पर उन्होंने अनुदान दिया है, उन्होंने आदिवासी बस्ती सुधार 100% अनुदान दिया है, उन्होंने स्वयं रोजगार और रोजगार पर निधि की बात कही है। और उसमें खास बात जो है वो मूलभूत सुविधाओं यानी गरीबों का एक जीवन मान का स्तर ऊंचाना, इसके लिए केंद्र है राज्य और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी 50% केंद्र का होगा तो 25% और 25% राज्य का और स्थानिक स्वराज्य सरकारों का होगा। स्मार्ट सिटी अभियान को अनुदान दिया है और ये सारी प्रोविजनों के साथ सबसे बड़ी यानी 74-73 में अमेंडमेंट की सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि निर्णय प्रक्रिया में लोगों का जब तक सहभाग नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। इसमें उन्होंने प्रभाग समितियों को लाया गया यानी वार्ड समिति जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो वार्ड समिति बननी चाहिए लेकिन वो वार्ड समिति करके उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में सारे कॉर्पोरेटर्स को मिलकर समिति बने और उसका एक अध्यक्ष नगर सेवक होगा और उसमें से 3 एनजीओ के लोगों को लिया जाएगा। लेकिन आज ये सारी प्रोविजंस जो आई गई है वो शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए है, संस्थाओं तक नहीं पहुंचा पाए या अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचे, इसके लिए आज भी वो सारी चीजें अधूरी है। यानी 2005 तक 74 अमेंडमेंट की जो बातें हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या लोक प्रतिनिधि हैं, उनके मतलब की बातें पूरी रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन जो खास लोक सहभाग की बातें हैं, वो आज भी आप देखोगे सारे नगर निगमों में कहीं भी प्रभाग समिति में एनजीओस के लोगों की नियुक्ति हुई नहीं है, ध्यान में रखिए। यानी सभी जगह पे, महाराष्ट्र की भी बात अगर करती हूँ, मुंबई की भी बात करती हूँ या देश भर में जहां जहां नगर निगम है हम वहां की अगर रिपोर्ट भी लेते हैं तो वहां पे भी आज भी ये लोक सहभाग अधूरा है, ये हमें इस बात से समझ में आना चाहिए। दूसरा बात है कि वर्षा जी एक, एक, एक बीच में रोकूंगा वो, क्योंकि ट्रांसलेशन साथ साथ हो रहा है तो थोड़ा सा कम स्पीड से अगर आप बोले तो वो अनुवाद में थोड़ा सुविधा रहेगी। ओके। दूसरी बात ये है कि क्योंकि समय कम है और बातें तो काफी सारी है कहनी, तो मैं अपने समय के अंदर ही उसको खत्म करना चाहूंगी, इसलिए शायद वो हो रहा था, सॉरी। तो क्योंकि 74 अमेंडमेंट जो है वो 2005 तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जितनी इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स को मतलब ब्यूरोक्रेट्स को करना था उतना और लोक प्रतिनिधियों को करना उतना ही था। लेकिन तभी सिविल सोसाइटी द्वारा एक कोशिश की गई और केंद्र सरकार द्वारा एक कोशिश की जाएगी और एक ड्राफ्ट बनाया गया
और ये तय किया गया कि फंड के साथ पार्टिसिपेशन को जोड़ दो, यानी हम सारे राज्यों को फंड तो देंगे डेवलपमेंट का, लेकिन उसके साथ जब तक लोकसभा की कमिटमेंट उनकी एक शर्त नहीं रखेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। यानी सरकार उन्हें ये कही है कि राज्यों को लालच दिया या गाजर दिया, इस तरह की शायद बात हो सकती है। तो उन्होंने एक योजना बनाई, जो योजना आप सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, अभी उसको अमृत योजना के नाम से जानते हैं। तो इस योजना के तहत उन्होंने कहा कि आपको हम पीने के पानी लोगों को पहुंचाने के लिए रास्ते, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, आवास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी व्यवस्था, ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये पहुंचाने के लिए आपको फंड देंगे। हर राज्य को वो फंड दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आपके राज्यों में मॉडल नगरराज बिल, जिसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉ जिसको बोलते हैं, उस लॉ को आपको पारित करना होगा। और फिर उन्होंने सभी राज्यों को मॉडल नगरराज बिल, जिसको हम नगरराज बिल बोलते हैं, लोक सहभाग कानून बोलते हैं, इस कानून को भेजा गया। यानी प्रोविजन इसमें ये थी, रिफॉर्म्स जिसको बोल सकते हैं, तो बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर रीजन BSUP एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ये मेन रिफॉर्म थे जिसके माध्यम से ये साथियों ये दिया गया। एंड मैं कहूंगी कि जब 74वां संविधान हुआ तो अपने देश में 3-tier सिस्टम आई, डेमोक्रेसी का तीसरा स्तर ये तैयार हुआ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानिक स्वराज्य सरकार, जिसे हम नगर निगम संस्थाएं नहीं है, नगर निगम अब सरकारें हैं, उनको अधिकारों का विकेंद्रीकरण हुआ है। और ये इस माध्यम से, यानी नगर राज बिल जब लाया गया, तब मैं कहूंगी उसको चौथा लेयर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ फोर्थ लेयर ऑफ डेमोक्रेसी, एरिया सभा के माध्यम से लोगों के बीच में लाया गया। यानी इसके अगर जल्दबाजी में मैं अगर बात कहूं तो पार्षद जो होता है कॉर्पोरेटर्स, उसको डायरेक्ट लोगों के बीच में जाके बैठना है, यानी इतना डेमोक्रेसी को, यानी इतना सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसको हम कहते हैं उसको किया गया। यानी पार्षद को 2-5 पोलिंग बूथ की एक एरिया सभा बनानी है वोटरों की, उसके बाद उसको एरिया सभा बनाकर एरिया रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, चुनाव द्वारा या सिलेक्शन या इलेक्शन द्वारा। हर 3 महीने में एक सभा लेनी है, फिर बजट का, विकास का, समस्या का, उसके वार्ड की, उसकी प्राथमिकता तय करना, ये सारा वोटरों के, यानी लोगों को पूछ कर, लोगों के साथ बैठकर ये सारी तैयार करनी। यानी अगर अभी थोड़ी देर पहले जो मोहन भाई ने नारा लगाया, वो नारा हर बार मुंबई के अलग अलग गलियों में आप देखोगे, जहां जहां पर हमने एरिया सभा का प्रयोग किए है कि दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, हमारे वार्ड में हम सरकार, यानी सत्ता की डोरी डायरेक्ट लोगों के हाथ में की प्रोविजन है। यानी लोगों के सहभाग के कारण भ्रष्टाचार और इन इफिशियंसी पर चेक एंड बैलेंस होगा, जिसकी प्रोविजन 74 में भी है और जिसकी प्रोविजन उसके बाद फोर्थ लेयर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम एरिया सभा बोलते हैं, नगर राज बिल बोलते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बोलते हैं, उस लॉ में आई। क्योंकि एरिया सभा अमल करेंगे ना, इसका गठन करेंगे, इसको अमल करेंगे, तो गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर, पानी, सैनिटेशन, सस्टेनेबल सिटी, कम्युनिटीज, सोशल जस्टिस, इन सारों पर कलेक्टिव असर होगा। ध्यान में रखिए, परिणाम इन पर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ग्रामीण पंचायत में हम देखते हैं ना, इंप्रूवमेंट क्यों है, क्योंकि वहां अच्छी तरह से ये फंक्शन हुआ है, वहां इसलिए चेंजेस दिखते हैं। लेकिन शहरों में जो व्यवस्था खड़ी है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो वो सस्टेन नहीं कर पाती है, सस्टेन इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉ नहीं है। अब ये सरकार ही इसको लागू क्यों नहीं करना चाहती है? आप जानते हैं कि सरकार जब लागू नहीं करती, यानी कहीं ना कहीं सरकार इफेक्टिवली लोगों को इनसे माइनस करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को पहल करनी चाहिए, हम जो मालिक है इस देश के, उसको 74 और CPL जिसको हम कहते हैं उसको लागू करने की पहल करनी चाहिए। क्योंकि 74 का सुधार जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिवली टेकिंग एन एंगेजमेंट विद गवर्नेंस मॉडल, ये मैं कहूंगी कि इसके बारे में हमको बहुत गंभीरता से सोचकर लोगों के बीच में जाना होगा। और एरिया सभा का जो माध्यम है वो सामूहिक जवाबदेही बनता है, और इसीलिए मुंबई में हम 2010 से हमने इसकी शुरुआत की, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 जुलाई 2009 को इस कानून को गैजेट में पास कर दिया गया, आज ये कानून गैजेट में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं, स्टेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं कानून, यानी सरकार यानी कौन, सरकार यानी आप और मैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी पहल करनी होगी। और उसकी पहल हमने तीन तरीकों से मुंबई में की, खासकर एडवोकेसी, संस्था व्यक्तियों से नेटवर्किंग,
और लोगों के बीच डायरेक्ट जाकर जमीनी स्तर पर लोगों के साथ एक मॉडल खड़ा करना, इन तीनों स्टेज पर आज हमने एक प्रयोग करने की सभी ने कोशिश की, जिसमें हमने शुरू में लोगों को इसका महत्व बताया और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से उन्हीं, जैसा अभी मोहन भाई ने कहा ना कि हमें सपोर्ट करना है, सपोर्ट सिस्टम में लोगों में वो जागरूकता लानी है कि वो उस वार्ड के मालिक है, उन्हीं को तय करना है कि उनका वार्ड, यानी मेरा शहर मेरा नियोजन, मेरा वार्ड मेरा नियोजन, इस तरह की भूमिका में पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ा। उसके बाद सर्वे है, मैपिंग है, लोक प्रतिनिधि प्रशासन से संवाद है, और खासकर शहर का जो आराखड़ा होता है यानी जिसको हम डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, वो लोगों को बताया गया कि इसको हम कैसे हैं और ये आपको अभी कैसा चाहिए, वो लोगों से पूछा गया। इस सब के साथ अगर 3-4 मिनट में अगर पूरा कर सके। जी जी, तो ये सारी चीजें की गई जिसमें राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, रचना क्या होगी, सरकारी व्यवस्था क्या होगी, भौगोलिक परिस्थितियां क्या होगी, सामाजिक सवाल क्या होंगे, समस्या क्या होंगे, और लोक प्रतिनिधि और प्रशासन जो है उनके विचार करने की पद्धति क्या हो सकती है, उनका रिएक्ट होने की पद्धति क्या हो सकती है, उसका पब्लिक संवाद क्या हो सकता है, निर्णय लेने का उनका विचार क्या हो सकता है, इन सभी से यानी जेपी का उल्टा पिरामिड जिसको हम कहते हैं नीचे से सत्ता ऊपर की तरफ जाए, इसमें लोगों को एक तरह से भावना बनाई गई। और इसीलिए आज मुंबई में 12 महानगर पालिकाओं में 28 वार्डों में एरिया सभा है, 100 से भी ज्यादा मुंबई के वार्डों में हमने ग्रुप्स, ट्रेनिंग ग्रुप्स बनाए गए, महाराष्ट्र में 9 जिले में एक है और महाराष्ट्र में एक वार्ड ऐसा है जिसको हम आइडियल वार्ड बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, और दूसरा महाराष्ट्र का धुले जो जिला है उसको भी एक आइडियल धुला वहां के लोगों को जोड़कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और गुजरात में 5 शहरों में ये पूरी तरीके से काम साथियों चल रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस बनाने की प्रक्रिया में मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन आज ये एरिया सभा जब बनी तब जैसे कहा ना कि सर्वानुमति से निर्णय होने लगे, नगर सेवक खुद आके एरिया सभाओं को आयोजित करने लगे, लोगों की एक ओनरशिप खड़ी होती दिखाई दी, और जिसका एक उदाहरण सक्सेस उदाहरण मैं बताती हूँ कि एक वार्ड में पार्टिसिपेटरी एक हेल्थ बजट बनाया गया जिसके माध्यम से प्रशासन और कॉरपोरेटर्स यानी पार्षदों को लेकर एक 300 करोड़ का पब्लिक अस्पताल आज प्रस्ताव पारित हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, शौचालय, गटर, राइट टू एजुकेशन के दाखले होने लगे, ये सारी चीजें, और कोविड के दरमियान जिस तरह का काम एरिया सभाओं ने किया यानी लोगों के पार्टिसिपेशन से विभाग का अभाव। अब चुनौतियां तो बहुत सारी आई, नागरिकों की चुनौतियां हमको ये आई कि बैठक में नहीं आना, थोड़ा नकारात्मक विचार, थोड़ा व्यक्तिगत फायदा है कि ये देखने लगे, एरिया सभा प्रतिनिधि थोड़ा संगठित काम करने में उनको तकलीफ होती थी, और लोक प्रतिनिधियां का है ना पक्षीय राजनीति ज्यादा लाने लगे थे, समय न देते थे, सूचना नहीं में दखल नहीं देते थे, स्थानिक स्वराज्य सरकार जो है वो कानूनी नहीं जानती थी तो महत्व ही नहीं देती थी, लेकिन आज ये सब बदला हुआ, आज पार्टिसिपेशन बढ़ा, प्रशासन, पुलिस, लोक प्रतिनिधि और लोग मिलकर ये पूरी प्रोसेस चल रही है। अब इसमें 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ, इसमें आह्वान ये है कि आज भी पॉलिटिकल विल नहीं है, आज भी सत्ता के विकेंद्रीकरण में अटका हुआ है, आज भी लोगों की अनास्था है, आज भी सरकार पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर रही है आर्थिक, इसलिए भी ये नगर निगम जो है वो सक्षम, आर्थिक सक्षमता स्वतंत्रता का वहां पे अभाव है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको सिफारिश में ये करना चाहिए, एक तो 74 को सीपीएल को लोगों के बीच में ले जाना होगा और लोकल लेवल पर ये संगठन गठन करना होगा, इसीलिए सरकार को हमको एक अपील करनी होगी कि सरकार को ढांचा और कार्य पद्धति विकसित करनी होगी, फंड फंक्शन फंक्शनरीज को देना होगा, 74 संविधान का सुधार कानूनन, संविधान के कानूनन संशोधन उसका करना जरूरी होगा, और दूसरी महत्व की बात है कि सभी जगह पर बहुसदस्यीय जो उम्मीदवारी पद्धति उसको खत्म करके एक सदस्य उम्मीदवार पद्धति को लाना होगा, और 74 सुधारक की तरह एरिया सभा के ढांचे को भी संविधानिक व्यवस्था में खड़ी करना होगा। जब पालिका की बात मैं करती हूँ, एक ही मिनट, पालिका की बात मैं करती हूँ तो पालिका प्रशासन जो देखते हैं ना, हम अभी उनका नजरिया बदला है, लेकिन उनका नजरिया खासकर ऐसा है कि हम सर्विस स्टैंडर्ड देते हैं, यानी नागरिक को वो ना ग्राहक समझती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको उनका नजरिया नागरिकत्व की तरफ उनको सर्वसमावेशी बदलना पड़ेगा, तभी हम कह सकेंगे लोगों के लिए सत्ता और सत्ता के लिए लोग। धन्यवाद, मुझे लगता है हम सबको चेंज की अपेक्षा ना करें, चेंज का हिस्सा बने, तब जाकर ये बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वर्षी।
और इसमें जो अभी लोकल गवर्नमेंट और उसके जो टीयर्स बनाने की बात आई है, तमाम सारे रिफॉर्म्स जो आप कह रहे थे उसके जरिए, और उनमें क्या संभावनाएं हैं अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो चीजें, ऐसा समझ में आ रहा है आपकी प्रस्तुति से और उसके बारे में जानकर कि ऐसा लगता है, और जमीन पर भी आपके अनुभव के हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं उसी में से निकल सकती हैं जो ऑलरेडी एक तरीके से कानूनगत तरीके से पारित हो चुका है, उसका क्रियान्वयन होना है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो उसको पारित होना है, या इस तरीके की जो रुकावटें हैं उनको, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ये रिफॉर्म्स पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, तो क्या क्या चीजें उसमें से मिल सकती हैं। और जो अभी तक बातें आई, जो मोहन भाई बोल रहे थे और जो वर्षा जी ने बोला, इन दोनों से बहुत ही ये एक आपस, मतलब लक्ष्य एक ही है लेकिन अलग अलग तरीकों से हम शक्ति को वापस डिसेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके अलग अलग तरीकों पे हमने बात अभी तक सुनी है। और इन्हीं के कुछ मिले जुले तरीकों से दुनिया में और भी जगह पे जो प्रयोग हो रहे हैं उनके बारे में भी अगर हम थोड़ा सुनेंगे तो शायद इसमें हमें और थोड़ा इसको सापेक्ष देखने में कि हमारे यहाँ जो बातें चल रही हैं क्या उसमें से वहाँ के आंदोलनों के किसी काम की कोई चीजें हो सकती हैं, या वहाँ के आंदोलनों से हमारे आंदोलनों को बेचारी कोई मदद मिल सकती है, तो इसके बारे में हम रिक्वेस्ट करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एलिनोर टू, आई मीन आई वाज सेइंग दैट व्हाट वी हैव हियर्ड सो फार इज अबाउट डिफरेंट वेज इन विच पीपल कैन गेट द पावर बैक इन टू देयर हैंड्स, पीपल लिविंग इन द सिटी, सो दैट दे कैन live a satisfactory, meaningful urban life, and they get the control in their own hands, and so that the power decentralized to the local most urban bodies, including the neighborhood or ward committees as in India, and I think other experiments in other parts of the US and Europe which are going on, neighborhood level democracy people are talking about. So I was just saying we need to make it also have an internationalist kind of outlook, that it's about the cities and the people living in the cities across the world demanding more and more localization into their hands without becoming very parochial in their views, that you know, without becoming too local centric, and to maintain the solidarities which are necessary to make a world which is alternative to the current system. So in that sense, it would be wonderful if you can share with us the different experiments which have similar spirit, and they all are trying to get the power into the hands of people. Mostly, just to inform all participants who are here, the experiences which Eleanor is going to share is mostly from Global North. So we need to make those adjustments in our understanding that not everything might be as easy to translate in our context. So we need to be a little bit careful with that. But I think with that kind of, if we be that kind of careful, so I think we will have few learnings at least to get from those experiences. So I invite Eleanor to share her presentation. First of all, thank you, Nishant, for inviting me, and once again to the People's Resource Center for having me come talk to you all today. This is really an honor for me. This is my first time speaking with a group from India, and it's really my honor, and it's a pleasure to be building these bridges with you all. And I think the point that you brought up just now about internationalism is one of the most important points and goals, objectives, for the movement as well here in the Global North. And I think if we're looking at really transforming our everyday lives, that means we have to transform our economy. We have to move away from capitalism and a market-driven society that is bolstered by a militaristic nation state, which means working at the global level, that we have to be an international movement.
So once again, it's really exciting to be here, a part of this conversation as a movement in that direction. So as I get started, I want to say once again that, or to sort of echo what Nishant just said, that sometimes the vocabulary that I use might not be familiar. I also recognize that there might be some repetition from what I've read from the translation so far and gathered from this conversation, is that this group of people has a very high degree of political literacy and understanding, and you're thinking in very sophisticated ways about these issues. So I apologize if there's some repetition as well. And yeah, I think I'll take it from there. So the tradition that I'm representing right now is called libertarian municipalism. And that's actually one word to describe a whole family of movements that has started to gain momentum in the global north, and particularly the Anglophone global north. I'm from the United States. I'm a PhD student in anthropology. But long before I ever went to university, I started as an activist in the Occupy Wall Street movement. And as you all remember, Occupy Wall Street sort of spread globally, but it started in New York City, and people in the United States were protesting austerity and bank bailouts while ordinary people got nothing. And we still got nothing from the government by way of relief for that recession. And now we have another recession because of the COVID-19 pandemic. But what we did get out of that experience, certainly what I got out of that experience, was a greater understanding of the power of direct democracy and alternative forms of governance that are coming from the bottom up. So that was the beginning of my entry into this movement. And what I found was that there have been people, particularly in the United States, talking about direct democracy for a long time, really starting in the 1960s with rethinking Marxism and what we call the New Left movement in the 1960s. Particularly in the United States, people were rethinking state socialism, looking to the Soviet Union and seeing the transition from promising socialist experiments into authoritarian projects. And leftists there were rethinking what the real politics, what the political content of a truly liberatory society looks like. So maybe some of you all have heard of the thinker Murray Bookchin. I'll write his name in the chat because it's not necessarily easy to spell. Yeah, I think Eleanor Bookchin is not as popular in this part of the world. Sure. As he is, yep, in that part. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. So Murray Bookchin was a leftist philosopher and thinker. He coined the term libertarian municipalism in the 1970s. And that was a part of a much larger body of work that he calls social ecology. So Murray Bookchin was born in New York in the 1920s, I believe. He was a Marxist and was a part of Marxist study groups in New York, and then eventually started to become concerned with the effect of capitalism on the natural world and the environment. He was one of the first people in the Anglophone world to write about the relationship between capitalism and nature. And he really was the first thinker to say that there's a collision happening here between capitalism and nature. And he was a part of the anarchist movement of the 1960s.
And he was also involved with folks like Herbert Marcuse and the French Situationist movement. And as his politics developed, as his political position developed, he saw increasingly a need for a new political philosophy. And he saw anarchism as being deficient in that it did not postulate a political alternative to the state as we see it today, that anarchism had positioned itself against the state, but had not created a proposal in opposition. So that's what he set out to do. And he looked at history. He was also a historian. And he started to develop the idea that humanity actually has two competing histories. And one of those histories is the history of that we hear in school, the history of great civilizations, the history of empires, the history of so-called great men. And that political history centers around conflict, militarism, empire building, and power as something that happens from the top down. But he saw that humanity also has another political history and another political development of people working together in directly democratic ways. And this obviously looks a great deal to indigenous people, as you all have been discussing, and that this other tradition can also be elaborated on and brought forward and institutionalized. So this question of how do you institutionalize freedom was a major question for Bookchin, and remains a major question for social ecologists and libertarian municipalists today. So libertarian municipalism in Bookchin's mind was a way of separating the local level from the state and regional level. So he saw that there was a major difference in the nature of local assemblies, town halls, neighborhood councils, city administrations, and the state level, so-called representative governance. And it sounds like you all are also working through these issues in India right now and at your cities at that very practical level. And so libertarian municipalism is conceived as a project to build power at the local level and create a contest of legitimacy between local governance and the state level. So that's actually an important concept. I'm just going to write it down. A contest of legitimacy. This is sort of always in the background of libertarian municipalist projects. So the purpose of libertarian municipalist projects is not simply to accommodate the state or fill the gaps in social welfare. But libertarian municipalism really is a revolutionary project that wants to bring human beings to destroy capitalist society and bring us to a new place in our development. And the specific idea of libertarian municipalism, the strategy behind that, how do you create autonomy at the local level, is to, at least in Bookchin's mind, was to develop, first of all, study groups, social movements, reading groups who would develop consciousness around the nature of politics and the history of direct democracy, confederations, people's assemblies, and that these groups would engage in local elections on a platform that the
institution of local governance should be transformed into a directly democratic body. So at the same time, you're building social movements, you're building popular movements, as you're engaging in elections and running candidates, but the purpose of that candidate isn't to occupy the role as it is defined in our current state model, but to transform that role, to, in a sense, dissolve the competencies of that role down into a directly democratic body. So this is the idea in theory. And I can talk more about assemblies and confederations, but I think that this group here has a pretty clear idea of how assemblies work and also confederal models of delegation. And so this is libertarian municipalism broadly that has been around since the 1970s. And Murray Bookchin worked through these ideas with groups of people, particularly housing and urban activists in Burlington, Vermont. It's a small city in New England. And that was because they saw small cities as the place where we can really have the best chance at realizing these kinds of politics, because smaller cities are on a human scale. So the previous speaker mentioned that cities today are not grown organically. And this is a view that social ecologists and libertarian municipalists share and find very problematic. Our cities today have been constructed along a hierarchical and inorganic logic, a logic that is not life-affirming and that does not foster connections, that separates people, that alienates human beings from the land, alienates human beings from one another, and that part of the project of creating a new kind of politics is also changing dramatically the material world that we live in, and in particular, the material infrastructure of the cities that we live in. There needs to be a profound greening of our cities, while at the same time, reinvigoration of rural life as well. So I think that's actually something that's important to emphasize when we talk about urban movements, is that any transformation in urban movements is not possible without transformation in rural areas as well. It's about reintegrating those two zones of life. So libertarian municipalists historically have tended to focus on smaller cities and really trying to take the centralized approach of, you know, really focusing social movements on metropolises and decentralizing them into smaller places, which is, I think, one reason why you don't hear as much about municipalism globally, because people are working in smaller cities. So from here, I'll get into a few examples of libertarian municipalist projects. I mentioned one in Burlington, Vermont, that is still going on in various ways, but was at its strongest during the 1980s, also associated with the Green Movement. In Burlington, Vermont, they actually did this process of running candidates to promote direct democracy and to facilitate popular meetings, to facilitate popular planning. And they did this often to combat developers and private real estate that were wanting to, at that time, repossess or to appropriate public lands, public property, parks, factories, schools,
and corporations are wanting to develop and privatize those spaces, while the municipalist movement was working very hard to make those decisions democratic about what would happen to those public spaces. So Burlington, Vermont is one example. Another example that's much more current is in Barcelona, in the region of Catalonia in Spain. The movement in Barcelona has a bit of a different trajectory than the New England model I was just telling you about. They describe themselves as municipalists without the libertarian prefix. They emerged out of the 2008 financial crisis. I mentioned that I was politicized in the Occupy Wall Street movement. Barcelona was one major center for those waves of uprisings. It was at one time called the Indignados movement, which, as you may know, began in Chile and Argentina. This uprising began with students who were fed up with the rising cost of textbooks and the rising fees at schools and universities, and generally the privatization of education. And they took to urban squares to protest. And as they protested, they started to spontaneously form assemblies. And those assemblies started to confederate with one another. They were working at a neighborhood level. And this wave of protests came and sort of ebbed away again, but its legacy is very strong. And it spread throughout the Spanish-speaking world, which is how it arrived in Barcelona. Barcelona is a Catalan city, obviously. They speak Catalan, but also Spanish. And in Barcelona, the movement was very strong of the Indignados. And the activists there were very interested in how to make those waves of protest something more permanent. They said, we don't want this to just go away as people leave the squares. How do we create, how do we turn this into a real political movement? So they started to work very hard to form assemblies at the neighborhood level, like just a matter of blocks, just a few city blocks. Barcelona is a medieval city that subsequently has become a major commercial center, particularly for international tourism. But the infrastructure, the city, the layout of Barcelona is organic in a way that there are these very small, tightly knit neighborhoods with a lot of personality. And I think this was something that contributed to their ability to create a movement that was permanent and strong. And they developed a sort of quasi party called Barcelona en Comú. So this is really one of the most important experiments in municipalism in the global north. And Barcelona en Comú, they say they're the non-party party, meaning that they were technically a party, they were registered as a party, and they were electing individuals to neighborhood councils. They eventually ran someone for mayor. I'll get to that in just a moment. But that everyone that they were running was following the decisions that were made by the neighborhood assemblies. So I've had the opportunity to spend some time in Barcelona and witness their meetings in 2018. So the movement's still going. It's certainly not as strong as it was
almost now 10 years ago. But even in 2018, they were still holding neighborhood assemblies that would bring several dozen people. Again, just at the level of just a few, you know, 9 or 10 city blocks. And the neighborhood council members who represented their group were always voting from what was discussed at the assembly level. So Barcelona and Camus developed a set of policies, a policy platform for the city itself based on hours and hours and hours of extensive discussions throughout dozens of assemblies throughout the city over the course of several years. In 2015, they used this platform to run candidates at the city level, meaning in their city council, as well as the office of mayorship. And they actually won the office of the mayor with a woman named Ada Colau. And she was a housing justice activist who had been a part of the Indignados movement. And she ran based on this platform that Barcelona and Camus had developed. The platform itself was very focused on urban issues, and in particular on real estate and creating a livable city for the people who actually lived there. So tourism is an overwhelming presence in many cities throughout Europe. And Barcelona has been able to fight that pressure in the last 5 or 10 years in thanks in part to this platform. So when Ada Colau was brought into office, there was a freeze on all Airbnb, on new Airbnb acquisitions by real estate corporations. So there was a pattern where real estate developers were buying up dozens or hundreds of properties and just leaving them empty, registering them as Airbnbs, but just leaving them empty. So there was a freeze on all of that kind of activity. There was a freeze on the registering of new hotels. And there was also an attempt to stop evictions. In Spain, the 2008 financial crisis took the form of repossessing people's houses. Banks were aggressively coming after their debts in the form of repossessing homes, and it led to a major housing crisis. So there was an attempt to really slow down or stop evictions, and another policy proposal that Barcelona and Camus put forward, but they haven't been able to enact as successfully, is the creation of something they call super blocks. Also write that, super blocks. The idea of super blocks is to take a city grid of the streets and to close off a certain intersection or a certain number, to close off some of the intersections so that you end up with just the wider square. So if you could imagine sort of a grid in front of me, you close off the sort of in between intersections and leave just a larger square. And so all of the roads in between are left for human beings, for pets, for animals, for people to put plants outside, for children to play, for people to gather. And this is a proposal that Barcelona and Camus put forward, but they haven't been able to enact as successfully. But there are other
social movements in Spain of a similar kind who have been able to implement this this project. And forgive me, I forget the name of this particular city in Spain that has been able to do this. And the effect has been transformative on the city. When people in the city are interviewed, they often talk just about the, they talk about the sound and how the sound landscape of the city changing makes for a completely different urban experience and for a much more connected urban experience, that you're listening to children instead of cars, you're listening to birds instead of traffic. Eleanor, so, just because of the time constraint, can you just conclude in 2-3 minutes? Sure. I'll just name a few more experiments of this kind. There's Barcelona and Camus in Spain. There is also Coalizione Civica in Bologna. Coalizione. Coalizione Civica in Bologna, Spain, who have taken a very similar model to Barcelona and Camus. And they have been working to create green space in their city. And particularly in the last year, their mutual aid organizing during the lockdown for COVID-19 is a very good example of municipalist projects making advances on social movements that they would not be able to do without engaging with political institutions at the local level. So I encourage you to look at them. Another very important example is Jackson, Mississippi, in the United States. Give you the organization name. Cooperation Jackson is an organization based in Jackson, Mississippi, which is a predominantly Black city that is relatively very poor. The Black population has only 15% of the wealth compared to the white population, who have 80 or 90% of the wealth, while the Black population is 86% of the population. So as you can see, the wealth disparity is enormous. And so they have worked to align cooperatives, economic cooperatives, using popular assemblies to develop the program of the social movements. So they're really coming from a perspective, I would say, of the global South and the global, you know, in the global North, where they are working with really staggering levels of inequality, but have developed this bottom-up model for autonomy in their region. Jackson, Mississippi comes out of the Black Power movement and the attempt to create what's called New Africa in the United States South. And so they've really taken on municipalism as a new model for autonomy for Black and also Indigenous people in the U.S. South. So I'll maybe sort of leave things there, and hopefully we'll get a chance to have sort of more of a conversation. I know I really focused on just a few examples. I hope that was in the range of what you all were looking for. And maybe what I'd like to end with again is emphasizing how these various projects that I've mentioned are working at the local level, but are always keeping an eye on the international level and creating international alliances. Because that's the only way that we can really, really take power. Any sort of
experiment in local governance is going to be very limited unless people can work together across those lines. So I hope that we can work together and continue to build those alliances with you all. So thank you again. Yeah, thanks. Thanks, Eleanor. I think that gave us quite a bit to think about. And it was also, I think, informative. I mean, too much information on all the ongoing movements and what is the political thought that motivates all these movements, or maybe which is the common thread in all these movements. Mm-hmm. And how movements in the US are also connected with the movements in Central Europe or in the Northern Europe, parts of Europe. So that also gives, at least to the, I mean, it, in a limited sense, but it also is extending to certain kind of internationalism, which we need to also learn about the various movements, for example, in Rojava or in Latin America, which also have the similar spirits. Yes, I think it will be interesting to build alliances, which can bring us, which can bring this internationalist spirit in all the movements which are going on. I think with that, I would invite now Raju Bhai. Raju Bhai, बहुत समय से नगर निकायों के जो स्वायत्त होने का है या जो उनके नगर स्वराज कैसे हो सकता है इस पे सोचते विचारते भी रहे हैं और आंदोलनों को बनाने और उसको उसमें लगातार सक्रिय रहे हैं और अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने इसमें उनके अनुभव है काम करने के, तो उन सबको जोड़ते हुए और साथ में हमारे पास काफी लोकल यानी अर्बन लोकल को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, उस वहां पर पावर कैसे लाई जाए, इसके बारे में बहुत सारे ख्याल और बहुत सारे वैचारिक और जो हमारे पास संवैधानिक है वो सभी तरीके की बातें अभी तक आई हैं। तो मुझे लगता है कि उनको सबको जोड़ते हुए आगे क्या क्या कर सकते हैं हमारे भारतीय शहरों में। और एक बात इलेनोर का एक रेखांकित करने जैसा है कि हमारे यहाँ शहरों में जैसे कि छोटे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि हमारे यहाँ शहरों की बात करते हुए वो छूट जाता है। हम जब शहर बोलते हैं तो कई बार हमारी कल्पना दिल्ली मुंबई बेंगलोर तक ही रहती है, वहां पे हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर आगरा और कानपुर भी है ये, और उससे भी छोटे कस्बे भी हैं और वो भी शहर और शहरीकरण के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से स्टेक होल्डर हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से हम इसकी बात कम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को जोड़ते हुए राजू भाई, अगर इस पे आगे कैसे चलना चाहिए और क्या हमारे पास तरीके हैं, कैसे हम शहरी तौर पे स्थानीय तौर पे सरकार बना सकते हैं, इसके बारे में अपनी बात रखें। राजू भाई, निशंत आवाज आ रही है? आवाज आ रही है निशंत जी? आ रही है। जो तीनों वक्ताओं ने बात रखी उसमें से जो कॉमन चीज जो निकलती है, मतलब खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, एक तो है कि भारत ये गांवों का देश है जो पहले बोला जाता था, अभी वो धारणाएं थोड़ी बदल रही है कि अभी ये मतलब कुछ दिनों में 50% शहरी आबादी होंगी ऐसा अनुमान है, और आज के परिस्थिति में 8000 टाउन अपने देश में हैं, करीबन 8000 टाउन है, और 35-36% आबादी शहरों में रहती है, और ये बड़े पैमाने पे शहरीकरण हो रहा है, और गैर बराबरी शहरों में भी है, और शहर और राज्यों के बीच में जो सत्ता का समीकरण है उसमें भी गैर बराबरी है। रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शहरों के अंदर वो भी गैर बराबरी को बढ़ावा देने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये निर्णय लेने की प्रक्रिया भी कुछ चंद लोगों के हाथ में है, मतलब ये आज का जो है वो सब जगह का वास्तव है। और सबसे जो चैलेंजिंग वाला जो मुद्दा है, जो पहले
हमारे जो पहले वक्ता है मोहन भाई, उन्होंने जो बोली है कि समाज की जो मानसिकता है, तो मुझे लगता है कि वो सोच कैसे बदले, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि लोगों की जिम्मेदारी लेने की जो तैयारी कम दिखती है और लगता है कि कोई तो मेरे लिए ला देगा, या इस तरह की जो विचार, जो सोचने की जो क्षमता है जिसे हम सामंतिक सोच बोलते हैं, तो वो सोच कैसे बदले, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ समूह अलग अलग शहरों में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके जब आगे आते हैं तो लोगों का समाज का जो एक हिस्सा है उसके साथ जुड़ जाता है और फिर एक मोमेंटम बनती है, तो एक अच्छी जो बात है वो बात हमें दिखती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो शहरों के अंदर जो शहरीकरण और शहरी विकास की जो प्रक्रिया है उसको तांत्रिक कन्वर्जन बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो ये जो शहरीकरण और शहरी विकास की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को एक राजनीतिकरण कैसे किया जा सकता है वो समझना जरूरी है, कि जब तक वो लोकतांत्रिक और राजकीय प्रक्रिया नहीं बनेगी तब तक जो है जो रिसोर्सेस है शहरों के अंदर के जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस आम जनताओं तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा एक चीज जो है वो दिखता है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे जो तीन स्तरीय जो राज्य व्यवस्था का जो ढांचा है, केंद्र, राज्य और स्थानिक सरकार है, तो राज्य और स्थानिक सरकार जो है इनके बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और राज्य सरकार जो है वो स्थानिक सरकारों को अपने जो अधिकार है वो देना नहीं चाहते, जो भी उनको संवैधानिक अधिकार दिए भी गए हैं वो अधिकार जो है बाईपास करके अलग अलग अपने हाथों में लेने की जो प्रक्रिया है वो बड़े पैमाने पे है। तो ये जो और दूसरा और महत्व का मुद्दा है कि हमारी जो स्थानिक सरकारें हैं वो स्थानिक सरकारों में एक राजनीतिक व्यवस्था 74th अमेंडमेंट के हिसाब से विकसित हुई है, लेकिन जो प्रशासकीय व्यवस्था विकसित होने चाहिए थी वो प्रशासकीय व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो ये सभी जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें आगे बढ़ना है तो बेसिकली नगर स्वराज के जो कॉन्सेप्ट है, जो ये वेबिनार के माध्यम से जो हम आप चर्चा करना चाहते हैं, तो ये नगर स्वराज की कॉन्सेप्ट को हमको तीन स्तर पर देखना पड़ेगा कि उसको अगर हमने एग्जीक्यूट करनी है या उसको स्थापित करनी है, तो पहला तो जो स्थानिक सरकारें हैं उनके अधिकारों की बात हमें करनी पड़ेगी, और जो स्थानिक सरकार है उसके मजबूतीकरण की, उसकी स्वायत्तता की बात करनी पड़ेगी, और उसमें खासकर जो फाइनेंस सेकंड फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हमको करनी पड़ेगी। दूसरा महत्व का मुद्दा है कि एक बाजू से केंद्र सरकार ने भी 74th अमेंडमेंट बिल लाया है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट लाकर उन्होंने भी शहरों की विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का कंपनीकरण किया है, तो उस तरह की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हमें विरोध करना पड़ेगा कि और उसके लिए स्थानिक नगर पालिका, नगर निगम, महानगर नगर निगम के माध्यम से के भागीदारी में हमको काम करने की जरूरत होगी। तीसरा जो राज्य सरकारों द्वारा जो बेसिकली जो प्लानिंग अथॉरिटीज जो निर्माण किए गए, रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज, अलग अलग जगह पर रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज निर्माण किए गए हैं, तो वो रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी को भी हमको हटाने की मांग करनी पड़ेगी, और जो नियोजन प्लानिंग का जो पूरा हक है स्थानिक स्वराज्य सरकारों का, खासकर लैंड यूज प्लान हो सकता है या जो अलग अलग डेवलपमेंट प्लान्स बनाने का जो पूरा अधिकार है, वो पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में लाया जाए और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को वो अधिकार हो, वो बात हमको रखनी पड़ेगी।
तो बेसिकली स्टेट और महानगर पालिकाओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट में स्थानिक महानगर पालिका या नगर निगम जो है, जो स्थानिक सरकारें हैं, वो स्थानिक सरकारों के सक्षमीकरण की स्वायत्तता की जो बात है उसको लेकर हमको स्थानिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के साथ, मतलब जो स्थानिक संस्थाएं हैं उनके साथ, उनके प्रशासन के साथ, उसके उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ हमको एक स्तर पर काम करना पड़ेगा और वो काम को आगे लेके जाना पड़ेगा। और वो क्लियर कट है कि वो केंद्र और राज्य के जो सत्ता है उसके खिलाफ जो है ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का गठबंधन देश के स्तर पर हमको बनाकर उस दिशा में काम करने की जरूरत होगी। दूसरा मुद्दा है कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में पावर आज आने के बाद वो आम लोगों तक पहुंचेगी इसका कोई गारंटी नहीं। और अभी जो स्थिति है, ये जो मोहल्ला सभा का जो पूरा कानून आया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी लॉ जो आया है, कुछ राज्यों में उसको राज्य सरकारों में पारित किया है लेकिन कुछ राज्यों ने पारित नहीं किया। तो जिन राज्यों ने वो पारित किया है वहाँ उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, वहाँ का जो कॉर्पोरेटर्स है, उसका वहाँ का जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो लोगों के साथ वो जो पावर है वो बांटना नहीं चाहता। तो ऐसे स्थिति में जो बेसिकली जो बार्सिलोनिया का जो उदाहरण जो दिया है या जो भी अलग अलग जगह के जो मूवमेंट्स है, तो वो सिविक अर्बन जो सिविक मुद्दे है या सिविक इश्यूज है, तो उस तरह के सिविक मूवमेंट जो है शहरों के अंदर हमको बड़े पैमाने पे बढ़ाने पड़ेंगे, शुरू करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि जागरूक नागरिकों के संगठन जो एक पॉलिटिकली इंटरवेंशंस करे, अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाए। और बेसिकली जो उसका जो डायरेक्शन है पावर टू द पीपल होगा, जो डिसीजन मेकिंग जो है वो लोगों के हाथ में आ जाए, मोहल्ला सभा जैसी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था सरकार अगर नहीं बनाते तो लोग अपनी व्यवस्था बनाए और मजबूर करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और अथॉरिटी को कि वो इस तरह की जो पीपल्स जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे शहरों के अंदर, मूवमेंट के जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर्स को मतलब स्ट्रक्चर के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करें। कुछ जगह कुछ राज्यों में जैसे आसाम का जो राज्य, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य है, वहाँ पे ऑलरेडी ये कानून पास हुआ है, तो वहाँ पे तो हम बिल्कुल ये मूवमेंट के माध्यम से म्यूनिसिपल अथॉरिटी को लीगल फ्रेमवर्क में अकाउंटेबल बना सकते हैं। कुछ राज्यों में इस तरह के कानून बने नहीं है लेकिन हम जो केंद्र सरकार ने जो भी 74th अमेंडमेंट और नगर राज बिल के माध्यम से जो प्रपोजल राज्य सरकारों को दिए थे उसका एक एजेंडा बनाकर हम वहाँ पे मूवमेंट चला सकते हैं कि लोगों का प्रेशर नीचे बिल्ड कर सकते हैं और राज्य सरकारों को मजबूर कर सकते हैं कि वो उसको अमल करे। उसमें काफी सारे चीजें हैं जिसमें हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। एक तो मास्टर प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस में हम इंटरवीन कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो पूरा ईयरली प्लान बनता है वो प्लानिंग प्रक्रिया में इंटरवीन करने के लिए जो सिटीजन्स पार्टिसिपेशन का जो पूरा प्रक्रिया है जो मोहल्ला सभाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। म्यूनिसिपल बजट बनता है तो उस तरह की प्रक्रिया में हम इंटरवीन कर सकते हैं। तो देखो कोई भी कैंपेन अगर शहरों के अंदर चलाना है तो एक है कि मुद्दों को हमको लेना पड़ेगा, कुछ टारगेट्स प्रक्रिया के अंदर इंटरवेंशन करने के स्पेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे और एक संस्थात्मक संगठनात्मक रचना खड़ी करनी पड़ेगी सिविल सोसाइटी मूवमेंट को, ताकि वो जो संगठनात्मक जो रचना है वो रचना एक एग्जिस्टिंग जो पावर स्ट्रक्चर है उसको एक धक्का दे सके, उसको एक चैलेंज कर सके। तो उस दिशा में हर शहरों में इस तरह के कैसे इनिशिएटिव्स हम खड़े कर सकते हैं, एक्टिविज्म कैसे बढ़ा सकते हैं, वो दूसरे स्तर पर हमको काम करना पड़ेगा। तीसरा जो बेसिकली स्तर है जो
बेसिकली समाज के अंदर एक जो समाज की जो सोच है, शहरी समाज की जो सोच है, वो सोच कैसी बदले, और वो सोच बदलने की प्रक्रिया में जो मूल्य है, अहिंसा का मूल्य हो, समता का मूल्य हो, लोग डेमोक्रेसी का महत्व हो, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के अंदर विश्वास के ऊपर विश्वास हो, अकाउंटेबिलिटी वाला जो पूरा मुद्दा है, तो ये एक जो मूल्य व्यवस्था जो है वो लोगों के अंदर लाए, लोगों के सोच में लाए, लोगों के प्रैक्टिस में लाए, उसके ऊपर हमको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ प्रक्रिया हमको चलानी पड़ेगी, उसमें कुछ अभियान हमको चलाने पड़ेंगे, उसमें बेसिकली आय की जगह वो वही वाला मुद्दा जो है कि मैं की जगह पे हम, ये जो मुद्दा है ये सोच विकसित करने के लिए अलग अलग सेक्शन के साथ हमको काम करने पड़ेंगे, उसमें उसके लिए भी स्पेसेस है। जैसे अगर हम बच्चों के साथ, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो तीन तबकों के साथ अच्छी तरह से चलती है, एक है बच्चे, दूसरे है यूथ और तीसरे है महिलाएं। तो बच्चे, यूथ और महिलाओं में अगर ये प्रक्रिया हमको चलानी है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिकली चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन कमिटी की एक कॉन्सेप्ट है, तो वो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमिटी जो है वो क्या हर मोहल्ले में बन सकती है और हर वार्ड में बन सकती है, और वो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमिटी के माध्यम से बच्चों का भी एक एजुकेशनल प्रक्रिया हो सकती है गवर्नेंस के संदर्भ में, वैल्यूज को इंटरलाइज करने के संदर्भ में, ताकि एक बड़े होकर वो जो सिटीजन्स बने, तब वो एक ये जो पूरी मूल्य की मूल्य जो मूल्य जो ये प्रैक्टिसेस भी उनके अंदर आए हैं उसको वो एक्ट कर सकते हैं, उसके ये पूरी जो शहरों को विकेंद्रित करने की जो और जवाबदेही बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा रोल जो है एक एक्टिव और कंसर्न सिटीजन करके वो प्ले कर सकते हैं। और एक दूसरा है कि बेसिकली जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज जो है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी एक डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल, तो उसको भी किस तरह से हम स्केलेबल कर सकते हैं और सिर्फ वो स्कूलों तक मर्यादित न रहते हुए ये सभी SMCs का एक संगठन बनाकर बेसिकली एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोकल बॉडीज और स्टेट का जो पूरा काम है उसमें एक अहम और अलग तरीके की जो है भूमिका ये लोग निभा सकते हैं, और पूरे शहर का जो एजुकेशन सिस्टम्स है वो व्यवस्था है उसको एक लोकतांत्रिक बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। टाउन वेंडिंग कमेटी जैसी कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह के जितने भी स्पेसेस है वो स्पेसेस को भी हमको बेसिकली पकड़ कर डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया शहरों के अंदर कैसे शुरू कर सकते हैं, और उसका मतलब शुरू करने का मौका है उसको एक्चुअली हमको उस दिशा में ले जाना है, और फिर अगर हम ये मूल्य व्यवस्था को अगर स्थापित करें, इस तरह की डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेशन करने वाली व्यवस्था को हम विकसित करें, तो एक शहर के अंदर सिर्फ म्यूनिसिपल स्तर पर डिसीजन मेकिंग का मुद्दा नहीं है, तो हर स्तर पर ये पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है, निर्णय प्रक्रिया जो है, और निर्णय प्रक्रिया विकसित करने के लिए हम मल्टी लेयर इंटरवेंशंस को विकसित कर सकते हैं, जिसको एक शहर के स्तर पर बांधा जा सकता है। तो इसमें प्रयोग का भी स्थान है, हम जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा जब बोल रहे तो हमको कुछ प्रयोग भी करने पड़ेंगे, और वो प्रयोग भी क्या बोलते हैं कि एक ज्ञान की निर्मिति कर सकते हैं, और जो सस्टेनेबल जो सिटीज का जो मुद्दा है कि जो शहरों की जो नींव है वो शोषण के आधार पर नहीं, वो समता और अहिंसा के आधार पर कैसी रखी जा सकती है और किस तरह से चलाई जा सकती है, ये जो पूरी सोच है
स्वराज की जो सोच है उसको सोच को वो सोच को जमीन पर उतारने के लिए इस दिशा में हमको थोड़ा काम करने की जरूरत है और किया जा सकता है। आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि जो शहरों में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं वो मुद्दों में अटक गए हैं, तो वो उन्हें मुद्दों से, ये बेसिकली अर्बन शहरी जो शासन व्यवस्था है और उसमें जो ये जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं उनको उस तक कैसे ले जा लेकर हम जा सकते हैं, ले जाने की जरूरत है ताकि ये अर्बन शहरों के अंदर सस्टेनेबल सिटीज और लोकतांत्रिक शहरों की जो पूरी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया को हम गति दे सकते हैं, ये अभियान को गति दे सकते हैं। और बेसिकली नगर स्वराज की जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि वो विकसित करने की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया राजू भाई, बहुत ही मेरे ख्याल से इससे अच्छा निष्कर्ष निचोड़ नहीं हो सकता आगे के कार्यक्रम को लेकर, और काफी स्पष्ट तौर से आपने बातें बताई कि क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं जो हम इस चर्चा में से निकाल के हमारे काम की निकली हैं। तो मैं मतलब ये तो बहुत ही अपने काम आसान कर दिया हम सभी लोगों के बारे में, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी के जहन में सवाल रहा होगा कि शहर में कैसे सोचे, गांव में तो सब लोग रहते हैं, कम्युनिटी का स्पिरिट है, शहर में कहाँ है। तो वो आपने बहुत अच्छे से उन बातों पर थोड़ा सा एक रखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं। कुछ सवाल है, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा वरना लोग नाराज होंगे। उसमें एक सवाल जो आया है वो रवि जी का था पहले, कि आई थिंक शायद एलिनोर ने कोशिश किया उसको बताने का बाद में कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो एक वो सवाल है, अगर उसमें समय मिलता है तो मेरे ख्याल से बाद में आना चाहिए। संस्कृति का एक सवाल था कि और जो भी लोग हमारे पैनलिस्ट बोलना चाहे इस पर बता सकते हैं कि अगर लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें समय भी खपाना होगा, तो क्या लगता है कि इतना समय लोग खपाने के लिए तैयार होंगे कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हर हफ्ते इतना मीटिंगें करना और अपने निर्णय लेना और उसके लिए पूरा मेहनत करना, तो ये पॉलिटिकल मेहनत की संभावना या इसकी अंदर से इच्छा आपको ग्राउंड पे दिखती है? शायद इस तरीके से भी ये सवाल हो सकता है, और अगर सवाल सभी लोग पढ़ रहे हैं कि क्या उसमें ये कमी या एक ये कह सकते हैं कि एक इसमें दिक्कत हो सकती है कि लोग शायद उस तरीके से पार्टिसिपेट ना करें अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मॉडल की बात कर रहे हैं। अगर मोहन भाई इस पे कुछ बोलना चाहे तो वहां से शुरू कर सकते हैं। एक तो चीज है कि कानून संविधान बहुत अच्छा है हमारा, जो शुरुआत ही करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के लोग देश है और इसलिए देश का निर्णय लेना है तो हमें लेना है कि उसको कैसे, जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ये हमारी संविधान की बुनियाद है। और कानून भी बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, जिसमें 74th अमेंडमेंट शहर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एक्ट में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है सेक्शन 41, जो शहरों के लिए भी लागू है और वहां भी सीधे लोगों का सहभाग अपनी निर्णय प्रक्रिया में और सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए करने की संभावनाएं उसमें भी है। अब ये सारी संभावनाएं हैं, करेगा कौन? अगर लोगों के पास समय नहीं है हमारे पास में, और हमारे लिए कोई कर दे, दूसरा कर देगा तो अच्छा है, सरकारें करेगी, तो ये तो गुलामी की मानसिकता है। आपको एक बार निर्णय करना होगा कि हमें गुलाम रहना है या आजाद होना है। ये हमारी स्वतंत्रता का स्वराज का सवाल अगर बनता है तभी इस पे कुछ शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं होगा, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में सबसे बड़ी जो उसको बनाए रखने वाली चीज है वो ये है कि गुलाम को गुलामी में बहुत सुरक्षित महसूस होता है। मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे सब मालिक करेगा, या तो सरकार करेगी या तो भगवान करेगा, दूसरा कोई करेगा, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए गुलामी इतने साल तक बनी रही है या इंसानी इतिहास में वो अभी भी अलग अलग तरह के रूप में बने रहना चाहती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बार हम वोट दे दे, बहुत पवित्र काम कर दे,
और अपनी सत्ता किसी को दे दे तो फिर हमारा काम खत्म हो गया। आप सब काम उसका है जिसको हमने अपनी सत्ता दी और वो फिर करते नहीं। समस्या तो सबसे बड़ी यही है। तो वहां पे हमें ही करना होगा। ये जिम्मेदारी को स्वीकारने वाला अगर समाज होगा तो वो प्रयोग शुरू हो सकता है। उसके बगैर प्रयोग शुरू ही नहीं हो सकता। जब तक लोगों के पास में समय नहीं है और दूसरा कोई करेगा ऐसी मानसिकता है तो वहां गुलामी बनी रहेगी, ये पक्का है, सुनिश्चित है, और उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। हाँ, लेकिन क्या दूसरा शहरी व्यवस्था संभव है? और व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार होता है कि ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं है। आज जो व्यवस्था है उसी में आपको रहना होगा और उसी के साथ काम चलाना होगा। इस तरह की धारणा को स्थापित करना ये व्यवस्था की बड़ी सफलता होती है। अब उसको तोड़ने वाले उदाहरण होने चाहिए है कि हमें पूरा भरोसा करना चाहिए कि जैसे व्यक्ति अलग होते हैं सोचने वाले, वैसे छोटे गांव और छोटे मोहल्ले भी अलग होते हैं। ये प्रकृति का अपना तरीका है काम करने का। हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता नहीं है। हम लोग शुरू करते हैं स्थानिक स्वराज्य संस्था का मतलब हमारे लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है, शहरी क्षेत्र में म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका, महानगर पालिका होता है। हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से ही शुरू करते हैं। बिलो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, नॉन रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग यूनिट की बात हम करते ही नहीं है। और वो अगर यूनिट नहीं हो तो लोग सहभागी कहां से हो? और वो यूनिट सरकार नहीं बना सकती, लोग खुद बना सकते हैं। उसके लिए समझो, मान लो कि कोई कानून नहीं है, 74th अमेंडमेंट भी नहीं है, बायोडायवर्सिटी एक्ट भी नहीं है, फिर भी भारतीय संविधान के हम इस देश के लोग इस भूमिका को आधार बनाकर क्या शहरी क्षेत्र में कोई मोहल्ले में हाउसिंग सोसाइटी में गली के सभी लोग मतदाता अगर ये सर्वसहमति से निर्णय ले कि हमारे मोहल्ले में निर्णय हमारा हम ही लेंगे सर्वसहमति से या सर्वानुमति से, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो उसको रोक सकती है? और फिर शासन का मतलब, जैसे बहुत अच्छा राजू भाई ने कहा कि हम लोग फंस गए हैं मुद्दों में, तो यहाँ पे आपको जेपी ने जहां तक लाया था उसके आगे जाने की जरूरत है कि क्रांति अब सिर्फ सत्ता में बदलाव वाली क्रांति नहीं चलेगी, हमें संपूर्ण क्रांति की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जीवन संपूर्ण है और उसमें फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं है कि ये आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, ये टुकड़ों को बनाकर उसमें जो फंसा दिया है, ऐसी बात व्यवस्था की जीवन की नहीं होती है। जो भी मोहल्ला होता है वो संपूर्ण होता है और उसका सारे पहलू एक साथ चलते रहते हैं और लगातार सतत संपूर्ण क्रांति हर चीज में, जो राजू भाई ने कहा कि मूल्य क्या है कि इसे हमें एक बार तय करना होगा। अगर हम लोग समता और अहिंसा का मूल्य मानते हैं तो फिर वो कसौटी है हमारी हर चीज को परखने की। अगर वो समता और अहिंसा पर आधारित होगी तो फिर सही है, फिर वो राजनीतिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, वो फिर हमारे हाथ में आती है चीज कि हम वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगी वो तो बाद की बात है, हमारे मोहल्ले में क्या होगा ये तो हम तय करेंगे। और वो समता पर अहिंसा पर आधारित कैसा होगा इसका प्रयोग हम करेंगे, ये कहने वाला अगर मोहल्ला निकलता है तो उससे जरूरत होगी एक सहयोगी मित्र कार्यकर्ता की। और ये दो जब जुड़ जाते हैं तब वो एक यूनिट बनता है कि जो फिर प्रयोग करता है। क्योंकि मोहल्ला तो अपने आप में इसके लिए चाहता भी है तो उसको जो बाहरी व्यवस्था है राज्य और केंद्र और बाजार की, उसके अंदर की व्यवस्था के साथ टक्कर देने के लिए एक सहयोगी मित्र की जरूरत है कि जो उसकी सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेता है लेकिन उसके साथ में इसमें खड़ा रहता है। तो अगर कोई भी शहर में ऐसा मोहल्ला हो तो वहां पे हमें सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर समता और अहिंसा के मूल्यों को पकड़कर फिर ऐसे प्रयोग करने होंगे तो वो प्रयोग हमें आगे ले जाएंगे, सिखाएंगे। धन्यवाद। I think Sanskriti also shared some clarification regarding her question ki she didn't mean ki about the decentralization thing, but she meant whether everyone has to participate in every decision and how that will be tenable or viable or practical in a sense. So I think if that is not answered, anybody would like to prefer to answer that part, please do. I think Eleanor has to leave, so I will ask
her to sorry Nishant, क्या हुआ? कौन सा सवाल था? मैं एक disconnect हो गया था. ओके नहीं राजू भाई, हम लोग वही संस्कृति ने जो भी सवाल पूछा कि सभी लोगों को सभी चीजों के निर्णय लेने में पार्टिसिपेट करना ही होगा, तो वो कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिकल कितना है, और क्या हम उसकी बात कर रहे हैं या कुछ और तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, शायद इससे जुड़ा हुआ उनका सवाल है. मोहन भाई ने उस पर मेरे ख्याल से काफी जवाब दिया है और एक है, लेकिन अगर उस पक्ष से जुड़ते हुए अगर आप कुछ बोलना चाहे तो बोलेगा. Elena has requested, she is going to leave, she has to leave, so she has something to say on this question, so she I'll request her to share a bit. Sure. So I wanted to reply that this question is such a great question, and it comes up very often when people are discussing direct democracy and thinking about the possibilities and also the limitations and the problems with direct democracy. And I think, first of all, that long meetings that can be tiring or draining might sometimes be a challenge of a directly democratic society. I'm sure that sometime, if we do achieve a directly democratic society, that sometimes people will just feel frustrated about being in meetings. That being said, something important about one of the most important features about this society that we're trying to achieve is that it's not coercive and it's not hierarchical. So first of all, people are not under an obligation to participate, and certainly not 100% of the time. The goal, however, is to make those events and conversations and spaces accessible to everyone who wants to be there whenever they want, whenever they need to. That those channels are always open, that people are always able to make the decisions and participate in the decisions that affect them. Not that they're obligated to go to every single meeting. And I think this particular question or sort of range of issues can be answered by looking at indigenous communities that use this kind of governance. And what you see is often a lot of a kind of a natural flow. I mentioned that I'm an anthropologist and I've also looked at indigenous communities in different parts of the world, but primarily in the Americas. And what you see is, again, a kind of a natural flow where people will come for meetings that they feel passionately about, but maybe not arrive for something that they're not so passionate about. And that some meetings are very full, some meetings are very energetic and have many people. And then there are other times where there's just not much to discuss that's important. So there is again, is no sort of obligation for people to discuss everything all the time. And another piece of this that's important is that not everything needs to be discussed by the political community. And that's, I think, something very important as well, is that not, the neighborhood association doesn't need to discuss the color of your sofa. That there are things that are authentically private, and there are issues that belong to a church or a school that might be best decided among workers or students. But that issues that affect everyone are discussed by everyone, or they that can be discussed by everyone. The issues that affect the community are brought to the community. And finally, I want to end this by saying that this question is why economic equality is so important and why we really have to prioritize creating access for people. And it's a major problem
among our movements in the global north, that it's very difficult in a very unequal society to have real participation when people are struggling to feed themselves and their families, and sometimes middle-class people going, oh, direct democracy sounds very fantastical, and it's difficult to take seriously unless there's a strong commitment to creating access and ending poverty and inequality that prevent people from being able to participate. Yeah, great. And with that, actually, I have to go, unfortunately. So I just want to say goodbye to all of you in person. And thank you again so much for having me. Yeah, I think we are glad that you joined us. And probably we will keep in touch. And we'll see you and other comrades from the international movements in our sessions, which we will organize in the future. So thanks again on behalf of everyone who has joined. Thanks, Eleanor, for joining. Yeah, absolutely. Thank you all so much. And I look forward to keeping the conversation going. अब मेरे ख्याल से ये सवाल, और जैसा संस्कृति ने खुद भी कहा कि ये सवाल पे चर्चा अलग से भी करने का जरूरत है, और शायद ये वहीं पे हो सकता है जहां हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग के ऊपर भी निर्भर है ये चर्चा क्या जवाब देती है। तो इससे जुड़ा हुआ या इससे और इससे जुड़ा हुआ अगर वर्षा जी या राजू जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो करें। और हमारे पास एक सवाल रवि जी का भी है कि शहर है वो शहर एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम पार्टिसिपेशन दो तरह से देखते हैं, एक तो है कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था जैसे मोहल्ला सभा इस तरह की जो हम लोग बोल रहे हैं, और दूसरा बेसिकली फंक्शनल और सब्जेक्ट, फंक्शनल कम्युनिटी और सब्जेक्ट वाइज अगर एक पार्टिसिपेशन का भी अलग प्रक्रिया, जैसे ये टाउन स्ट्रीट वेंडिंग वाला जो है ये बेसिकली फंक्शनल पार्टिसिपेशन की मुद्दा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेवलप करना पड़ेगा शहर। तो एक ही तरह के पार्टिसिपेशन की बात नहीं है, बट ये दोनों तरह के पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया शहरों के अंदर करनी पड़ेगी, और उसको उसे एक जो शहरी जो शासन व्यवस्था जो है वो शहरी शासन व्यवस्था को इसको इनकॉर्पोरेट करके फिर जो भी उसके उसकी उसकी जो पूरे जो प्रोग्राम्स है, फंड्स है, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीजें जो है वो करनी पड़ेगी। तो वो एक अभी के सिस्टम में हम उसको देख रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन जब जिस तरह की बात बेसिकली स्वराज की कॉन्सेप्ट में है, तो स्वराज की कॉन्सेप्ट में यह है कि मैं मेरे मोहल्ले के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं वहां की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था के बारे में, विकास के बारे में मैं सोचूंगा और मैं करूंगा, और मैं दूसरों को करने के लिए बाध्य करूँ। ये बेसिकली ये जो विचार है वो विचार परकुलेट होना नीचे तक, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ निशान, हो गया जी। मोहन भाई भी कुछ बोलना चाहते, लेकिन मैं पूछूंगा वर्षा जी अगर कुछ पहले जोड़ सके। वैचारिक बातें तो दोनों साथियों ने की है, मोहन भाई और राजू भाई और एलिवेटर ने भी की है। मैं प्रयोग की बात करूंगी कि मुंबई में ये जो बात है अब ये जो चल रही है उसके छोटे मोटे प्रयोग मुंबई में भी भावना संघ के माध्यम से जो चल रहे हैं, जिसमें लोग मैंने जैसे कहा ना ओनरशिप ले रहे हैं, यानी लोगों तक जब हम पहुंचते हैं, और जो बात थी कि हम सहयोगी मित्र बने, तो सद्भावना संघ ने वो कोशिश की है कि सहयोगी मित्र बनकर आज एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रतिनिधि यानी पार्षद और लोग ये जुड़कर विकास की नीतियां और लिस्टिंग और वो सारी चीजें कर रहे, जिसके काफी जमीनी स्तर के अच्छे उदाहरण, यानी जहां पे बेसिक जरूरतें लोगों की, सादा पीने का पानी की व्यवस्था, वो सारी चीजें
नहीं थी या शौचालय की व्यवस्था या उसकी सिस्टम, आज लोग खुद एक चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। आज लोग खुद एरिया सभा के लिए लोग एरिया सभा लगाते हैं और कॉर्पोरेटर को पार्षद को वहां पे आना ही पड़ता है। कुछ कुछ जगह पे तो खुद वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं, गली गली प्रतिनिधि तक ये बात आई है, जो मोहल्ले की बात है ना, कि ये जो बात मोहन भाई ने कहना वो सच है कि लोगों को ये इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। हाँ, वो इनिशिएटिव लेने के लिए हम उनको एक वातावरण बना कर दे, और वो कोशिश, काफी सारे ऐसे उदाहरण है हमारे कि जो सालों 40 साल जिनको पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी थी और वो हमको वोट नहीं करती है, लेकिन जब लोगों ने डीपी प्लान समझा तो जब लोग डेवलपमेंट प्लान खुद का समझ के लेते तब लोगों को लगता है, और कानून समझ के लेते तब लोगों को लगता है नहीं ये मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए। जैसे खुद ही लोगों ने रेशन पीडीएस सिस्टम के जन सुनावनी बस्तियों में लगानी शुरू कर दी, और उसके माध्यम से आज बहुत सारी बस्तियों में, बहुत सारे वार्डो में जहां पे एरिया सभा बनी है वहां पर लोगों को आज, जो बोलते हैं ना अंतिम आदमी की हम बात करते हैं, तो अंतिम आदमी को लोगों ने टेक्नोलॉजी समझी है, किस तरह से प्रोसेस करनी है समझी है। उसका बहुत अच्छा उदाहरण इस पूरे लॉकडाउन के परिस्थिति में हमको मिला, जो कि पीडीएस सिस्टम के साथ मिलकर लोगों ने योजना पहुंचाई लोगों तक। तो काफी सारे ऐसे उदाहरण है मुंबई में वो, और धुले जैसे जिले में जो हम एक आइडियल धुले की प्रोसेस में जा रहे हैं, यानी वहां के स्तर पर भी गांव और शहर दोनों दोनों में भी वो छोटे छोटे प्रयोग चल रहे हैं। मुंबई में एक आइडियल एरिया सभा करके वडाला जैसी जगह है जहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। यानी लोगों को ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि कानून और हमें पूछकर ये पूरी तरीके से विकास हो रहा है। पहली बार लोकल लेवल पर राइट टू एजुकेशन में 150 से ज्यादा एक वार्डों में स्कूलों में बिना एक रुपया देकर भी एडमिशन हुए हैं बच्चों के। तो काफी सारे ऐसे उदाहरण है, मुझे लगता है प्रयोग हो रहे हैं शहर की तौर पर, गांव की तौर पर हो रहे हैं। तो आज शहर में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक लोगों तक हमारी मर्यादा के अनुसार हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वहां लोग ये समझ रहे हैं कि इस कानून में ताकत है। और खासकर संविधान को आधार लेकर जो मोहन भाई ने कहा कि संविधान में वो सारे प्रोविजन है, तो हमें आज तक ना इलेक्शन कमीशन ने रोका, हालांकि हम तो इलेक्शन करवाते, प्रॉपर एरिया सभा रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉपर इलेक्शन होता है, उनकी समितियां बनती है, वो खुद सर्वानुमति से निर्णय लेते हैं, वो खुद गली प्रतिनिधि अपने आप सामने से लोग आ रहे हैं कि हमारे यहाँ हम गली प्रतिनिधि बनेंगे, मेरे गली का मैं प्रतिनिधि, मैं समूह के साथ बैठकर लिस्टिंग करूंगा, मैं उस एरिया सभा में लाऊंगा और नगर सेवक के पास हम लोग सब मिलकर उसको रखेंगे और उसको जाहिर करेंगे। यानी 3 महीने बाद नगर सेवक को पूरा हिसाब लोगों के सामने रखना पड़ा। ये सारी चीजें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे प्रयोग है। जी वर्षा जी, आई थिंक वो बहुत जरूरी था ये समझाना कि कैसे अगर वहाँ पे इनिशिएटिव चल रहे हैं तो ये सवाल कितने जरूरी बने हैं और इसको इसका किस तरीके से लोगों ने तरीके निकाले हैं। मोहन भाई इसमें कुछ जोड़ रहे थे, मैं चाहूंगा मोहन भाई इसको। संस्कृति ने जो शब्द पर सवाल पूछा है वो पूना से है, और ये पूना एक शहर हमारे भारत में ऐसा है कि जिसने बहुत बड़ा काम नागरिकों की ताकत से किया है, और वो एक मिसाल है कि नागरिकों ने महानगर पालिका को आंदोलन के द्वारा बाध्य किया कि जो महानगर पालिका का बजट बनता है उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का सहभाग होना चाहिए, और महानगर पालिका को यह स्वीकारना पड़ा। और आज वहां पे यह पद्धति लागू की गई है कि महानगर पालिका बजट की तारीख और उसकी सारी जानकारी सार्वजनिक करती है, उसके फॉर्म वितरित करती है, और मोहल्लाओं में नागरिक अपनी अपने मोहल्ले की योजना के संदर्भ में उसमें सूचनाएं दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और इस तरह से लोगों को उसमें सहभागी किया गया है। ये बड़ी सफलता है। अब उसके आगे के कदम की वहां पे जरूरत है, क्योंकि ये अभी क्या हो गया कि बजट तो बना रही है महानगर पालिका जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, और वो लोगों को सहभागी कर रही है, और ये बजट उन लोगों की विकास की योजना बनाने के लिए है। अगर हम लोग ये समता और अहिंसा और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल को यहाँ लागू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो असल में जिनकी जिंदगी है, जिनकी विकास की योजना बनानी है, उन्होंने खुद बनानी चाहिए। उनकी योजना वो लोग खुद बनाए, अपने मोहल्ले में अपना बजट खुद बनाए, और
महानगर पालिका जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो उसमें सहभागी हो, सुझाव दे। महानगर पालिका को कहा जाए, मोहल्ला के लोग कहे कि अब हम अपना योजना और बजट बना रहे हैं, उसका ड्राफ्ट हमने आपको भेज दिया है, आपके कुछ सुझाव हो तो आप बताइए, तो हम निर्णय लेते वक्त उस पर विचार करेंगे। ये उल्टी परिस्थिति बनने की जरूरत है। अब वो पुणे में अगर ऐसा एक भी मोहल्ला मिल जाएगी जो ये कहे कि अब हमें इसे करना है और हम करेंगे, तो हो सकता है। अब ये प्रयोग के लिए वैसा मोहल्ला चाहिए, वो मोहल्ला अगर मिल जाए तो ये प्रयोग जरूर हो सकता है, फिर वो पुणे में हो या किसी भी छोटे या बड़े शहर में हो। अगर किसी को ऐसे मोहल्ले की जानकारी है और जो लोग कैसे करना है ये छोड़ दीजिए, बस हमें करना है और हम ही निर्णय लेंगे, इतना अगर उनका निर्णय है तो आगे का काम सब उसके आगे की बात वो लोग अपने ताकत से सहयोगी मित्र की मदद से कर सकते हैं। तो ऐसी अगर जानकारी है तो वो आपके माध्यम से सामने आती है तो आगे का प्रयोग हो सकता है। जी क्योंकि समय से हम बहुत आगे चले गए हैं और हमारे साथ अभी भी जो लोग जुड़े हैं बहुत पेशेंस के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन अब हम इसको निष्कर्ष पे पहुंचाते हैं। चर्चा की संभावनाएं तो अभी ही दिख रहा है कि कितनी ज्यादा चर्चा की संभावनाएं अभी और सारी है, और हम कोशिश करेंगे कि कैसे ये सीरीज को ऐसा बनाया जाए कि मतलब एक सत्र में बात खत्म करने की नहीं हो, लेकिन ये सत्र को कैसे और बढ़ाया जाए और हम लोग कुछ निकाल के ला पाए इन चर्चाओं के जरिए। तो उसके प्रयास के लिए हम आगे भी जोड़ेंगे आप लोगों को, सभी लोगों को। आज के निष्कर्ष के तौर पे दो तीन बातें जो मुझे बहुत ही जरूरी लगी और मेरे ख्याल से एक बार फिर से रेखांकित करनी चाहिए, वो एक तो मोहन भाई का जो नारा है और जो उसकी स्पिरिट है कि भले ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं, हम उससे इररिस्पेक्टिव उससे उसको मतलब उस पर कुछ नहीं करते हुए हम कह रहे हैं कि हमारे लोकल में हम ही सरकार है। तो वी आर एकदम पैरेलल नहीं कहें लेकिन मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स, वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट वेयर वी आर द गवर्नमेंट। एक तो वो चीज, और दूसरा मुझे जो समझ में आया कि इंस्टीट्यूशन के बारे में जो राजू भाई ने बोला कि हमें और उसमें राममोहन भाई का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा जोड़ते हुए कि हमें ऐसा नहीं है कि मुद्दे पकड़ के बड़े स्केल पे सोचने की जरूरत है, शायद मुद्दों को जोड़ते हुए लेकिन प्रयास भी छोटे जो हमारी मोहल्ले हैं और हमारी इकाई जो है ना वो छोटी रखें और उसको एक पूरे सिस्टम के तौर पे देखें, एक होलिस्टिक फॉर्म में उसको देखें, अलग अलग मुद्दों के हिसाब से बड़े स्केल पे सोचेंगे तो शायद जो कि हम अभी कर ही रहे हैं तरीके से, हमारी व्यवस्था भी जो इंटरवेंशन की है वो मुद्दों को पकड़ कर बड़े स्केल पे करने की है, उसकी बजाय छोटे स्तर पे उनको एक एक सम्मिलित जगह के स्पेस के तौर पर सोच के वहां पर काम करने का जरूरत है। और जो भी प्रयास हो रहे हैं उन सब के ऊपर उनको और कैसे स्ट्रक्चर को उल्टा किया जाए कि पावर में हम पार्टिसिपेट नहीं करें, हम पार्टिसिपेशन लें, मतलब इंस्टीट्यूशन हम हैं और बाकी जो है हम बाकी लोगों के फीडबैक या उनका इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, जो कि अभी उल्टा है कि अथॉरिटीज हमारे पार्टिसिपेशन का नाम मात्र के लिए वो करती हैं। ये कुछ बातें थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और संदर्भ के तौर पे हमारी जो आज केंद्रित होती जा रही राजसत्ता है और उसका जो पूरा कैपिटलिज्म के साथ और पूरी पूंजीपति वर्ग के साथ जो पूरा क्लियर एक गठजोड़ हो चुका है, उसके सामने मेरे ख्याल से आज से ज्यादा इतना जरूरी लोकलाइज करना गवर्नेंस को और पावर को शायद उतना जरूरी नहीं रहा था, जिस तरीके से एक काउंटर पावर के तरीके से हमें लोकल इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहिए जो स्टेट और सेंट्रलाइज होने की टेंडेंसी उसके खिलाफ करना चाहिए। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब ये बातचीत शुरू हुई लोग डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस करना चाहिए शहरों गांवों में, वो समय था जब इंदिरा गांधी भी अपने चरम पर थी और क्योंकि वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी उस समय बहुत हावी थी तो उसके रिपरकशन या उसके रिस्पांस में इस तरीके की टेंडेंसी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एक तरीका बन के आया। तो हमें शायद एक तरीके से वो समय रिपीट होने जैसा है और इसके इसको और बेहतर तरीके से और रेडिकल तरीके से हम कैसे इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं उस पर सोचने की शायद जरूरत है। मैं राजेंद्र रवि जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक दो मिनट में अगर फाइनल थैंक्स का नोट अगर दे सके और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। नहीं है और प्रयोग करने के लिए
तो बेहतर हुआ। मैं लेट पर आया तो सबको धन्यवाद करूंगा और सबसे आग्रह करूंगा जो अलग अलग हम चर्चा करने वाले हैं उसमें न सिर्फ आप सहभाग करें बल्कि उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जो एक विस्तार है उसमें भी हम लोग को सिर्फ राय ना दें बल्कि उसमें ज्वाइंट तरीके से साझे तौर पे इसको आगे बढ़ाएं। तो जो शहरों का जो हालात है आज उसमें एक बेहतर करने की गुंजाइश निकलेगी। तो धन्यवाद, अब आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आज हम जल्दी मिलेंगे। एक बस एंडिंग में ये बोलना चाहूंगा कि कई सारे साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं जल संसाधन केंद्र की कार्यक्रमों में, मतलब मेरा ऐसा समझ है, हो सकता है वो पहले भी कार्यक्रमों में जुड़े हो, तो आप हमारे वेबसाइट या हमारे ईमेल के जरिए हमसे प्लीज जुड़े रहें और आगे जो इस सीरीज में, ये सीरीज का पहला सत्र था, इसमें हम और सत्र करेंगे जिसमें पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर तरीके से ये निकाल के ला सकें कि शहरों में क्या प्रोग्राम और क्या इंटरवेंशंस किए जाए ताकि हम सच में कुछ बदलाव ला सकें और उसको सस्टेन कर सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे के भी कार्यक्रम आपके साथ साझा करेंगे और हमारे वेबसाइट और हमारे ईमेल के जरिए भी आप हमसे संवाद रख सकते हैं। शुक्रिया सभी का जुड़े रहने के लिए और फिर मिलेंगे। जिंदाबाद, धन्यवाद सबको। आके मीटिंग ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ ठीक है।